and Q&A session on arthritis on occasion of World Arthritis Day, which is scheduled on 12th October every year. We have with us renowned rheumatologist Dr. Lata Bichhle and Dr. Dipti Patel from Mumbai, who will share some views and also answer queries regarding arthritis and its management. Just a little bit of information here. This session is for information sharing and not a consultation platform. And the personal line of treatment may differ for each of the patients. So if in case there is any pain or discomfort at your end, please do consult your doctor. With this, I would like to hand over the session to Dr. Lata Bichhle. Over to you, ma'am. Yeah. Okay, people. Thank you, viewers, and I welcome all of you for today's Facebook live session on arthritis management, and you must know a few things about arthritis. This page is on Mahi Mumbai. The Mahi is a Mission Arthritis India, a patient support group, and we conduct such sessions in order to make the awareness of arthritis. और उसके साथ हम ये भी चाहते हैं कि patients को बराबर दवाई मिले, patient rheumatologist के पास जाए. I am Dr. Lata Bichhle. Professor and Head, former Professor and Head Medicine at St. G.S. Medical College and Kenyan Hospital. I am a practicing rheumatologist in Mumbai. I am happy to be associated with Dr. Dipti Patel, who is with me as a very bright young rheumatologist at Bhopal Hospital, Mumbai. We both have been working for these patient-related activities along with Deepal, who just welcomed you all. And she's our digital knowledge partner even for today's function. We have with us Before we start with the slides and getting your questions, आपके सवाल के आंसर देने के पहले हमने कुछ स्लाइड्स बनाए हैं जिससे आपको एक आइडिया आएगा कि हम कौन से प्रकार की बातें आर्थराइटिस के लिए कर रहे हैं. तो लेट्स सी कि ब्रेकिंग डाउन बैरियर्स क्या है. हमें ऐसा लगा कि रूमेटोलॉजी के बारे में बहुत सारे पेशेंट्स के मन में शंकाएं हैं. उनको मालूम नहीं कि रूमेटोलॉजी क्या ब्रांच है, क्या साइंस है. दूसरी चीज ये है कि उनको लगता है कि सभी संधिवात एक ही प्रकार का संधिवात है, जो कि नहीं है. कम से कम 150 बीमारियां हैं जिसमें हमें आर्थराइटिस मिल जाता है, बट उसमें से मोस्ट कॉमन जो बीमारी है जिसको हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस, आम बात या संधिवात बोलते हैं. दूसरा चीज, जब हम क्लिनिक में प्रैक्टिस करते तो हमारे मन में हमेशा याद आता है ये पेशेंट्स के मन में क्यों बहुत सारी शंका कुशंकाएं होती है. शंका होना इम्पोर्टेंट है, लेकिन कुशंका नहीं होना चाहिए. और ये जो जिसमें मिस बोलते हैं, ये मिस रिलेटेड टू आर्थराइटिस के बारे में है, खान पीने के बारे में है, कौन सी दवाई लेना है, कौन सी पैथी फॉलो करना है, एलोपैथी की दवाई लेना है या होम्योपैथी लेना है या यूनानी लेना है. तो ये सब चीजों का सोच के हमने आज का यह सेमिनार या सेशन के माध्यम से हमारा आपके साथ कर रहे हैं. दूसरा चीज है कि जैसा आर्थराइटिस की बीमारी 3 इयर्स से लेकर 3 साल के बच्चे से लेकर 70-80 इयर्स तक मिल जाती है. और आजकल तो हमें जिसको हम संधिवात बोलते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं, ऐसे पेशेंट्स बोथ मेल पेशेंट्स फीमेल पेशेंट अबाउट 60 अबाउट 70 भी मिल जा रहे हैं, क्योंकि अपनी अभी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है. नेक्स्ट स्लाइड. अभी रूमेटोलॉजिस्ट कौन है? रूमेटोलॉजिस्ट हमारे जैसे डॉक्टर हैं जो खाली आर्थराइटिस की बीमारी को देखते हैं. मैंने बोला 150 डिजीजेस होते हैं, लेकिन उसमें से मोस्ट कॉमन कॉज रूमेटॉइड आर्थराइटिस है. रूमेटोलॉजिस्ट ऐसा डॉक्टर है जो बेसिकली इंटरनल मेडिसिन का MD होता है, जो कि MBBS के बाद में 3 साल करते हैं. उसके बाद में हम रूमेटोलॉजी फेलोशिप करते हैं, जैसे दीप्ति ने रूमेटोलॉजी फेलोशिप लंदन से किया है, इंग्लैंड से किया है, और मैंने अपना खुद से मैंने सीखा, मैंने डिपार्टमेंट वगैरह सब इस्टेब्लिश किया है. जॉइंट के साथ जॉइंट के बाहर जो भी टिश्यूज होते हैं, जिसको अपन बोलते हैं कि कैप्सूल रहता है जॉइंट के बाहर, दो हड्डी को मिलाकर एक जॉइंट तैयार हो जाता है. तो जो कैप्सूल होता है उसमें बीमारी होती है. दोनों हड्डियों को एक तरफ इकट्ठा लाने के लिए कुछ लिगामेंट्स होते हैं, वहां बीमारी होती है. या कभी कभी अंदर जो गादी होती है जिसको आप बोलते हैं, हम उसको कार्टिलेज बोलते हैं, आप गादी बोलते हैं, या कभी कुछ लोग उसको कुर्चा बोलते हैं. ये सब बीमारियां जब भी होती है तो उसको हम आर्थराइटिस बोलते हैं.
हम रूमेटोलॉजिस्ट ऑटोइम्यून डिजीजेस देखते हैं। ऑटोइम्यून डिजीज का मतलब क्या है कि मेरी इम्यून सिस्टम मेरे शरीर के अगेंस्ट काम कर रही है, इसके कारण मुझे अर्थराइटिस हुआ है। ये इम्यून सिस्टम मेरे स्किन के अगेंस्ट काम करेगी, मेरी आंखों के अगेंस्ट काम करेगी, मेरे हार्ट के अगेंस्ट काम करेगी, इसको हम ऑटोइम्यून और इम्यून मेडिएटेड डिजीजेस होते हैं। और ये बीमारियां कॉमन है, जैसा ब्रेस्ट कैंसर कॉमन है वैसा कॉमन है, हार्ट डिजीज जितना कॉमन है वैसा कॉमन है, या ल्यूकेमिया देखो, लिम्फोमा देखो, उतने ये समूह के जितने भी पेशेंट्स है उससे ज्यादा पेशेंट्स अपने रूमेटोलॉजिक डिसऑर्डर्स में गिर जाते हैं। और ये बहुत सारी बीमारियों का कारण ये सब हमारे पेशेंट्स को मालूम नहीं होता, इसलिए उनके पास बहुत सारा कंफ्यूजन है। मैंने अभी बोला कि आर्थराइटिस है, जैसे आर्थराइटिस के नाम अगर देखे तो अपन ए टू जेड मिल जाते हैं, लेकिन इसमें मोस्ट कॉमन कौन सा है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, जिसके बारे में आपको पूरे तरह से आपको जानकारी दे रही हूँ। दूसरा कॉमन का सोरायसिस है, सोरायसिस बोले तो क्या, जिसके अंदर स्किन में दाग होते हैं जिसको अपन सोरायसिस बोलते हैं, उसके साथ अपने को संधिवात हो जाता है। तीसरा है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, जिसका मतलब है कि मुझे इंफ्लेमेटरी बैकएक है। इंफ्लेमेशन बोले तो क्या, मेरे जॉइंट के अंदर, मेरे स्पाइन के अंदर, मेरे आंखों के अंदर वहां सूजन आएंगी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएंगे, एरिया हॉट रहेगा, सिविर पेन रहेगा, और ये सब चीजें जब कमर में होती है, स्पाइन में होते हैं, उसको एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं। उसके बाद में इम्पोर्टेंट ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, जो कि अपने को नी जॉइंट में, हिप जॉइंट में होता है। नॉट टू फॉरगेट इज गाउट, गाउट का मतलब कि मेरे शरीर के अंदर जो भी यूरिक एसिड तैयार होता है, जो हमेशा तैयार होता है, डेली 120 या लाखों सेल्स मर जाते हैं, उनका डीएनए बाहर निकल आता है, उसका एंड प्रोडक्ट यूरिक एसिड रहता है। ये जो यूरिक एसिड है वो अपने जॉइंट के अंदर बैठ जाएगा, वो कभी कभी किडनी के अंदर भी जाके बैठा तो अपने को मुंह खड़ा होता है या किडनी स्टोन्स हो जाते हैं। तो ये सब आर्थराइटिस जो भी ये जो एनसर्कल किए हैं, ये सब कॉमन आर्थराइटिस है, और वो अलग अलग एज ग्रुप में आएंगे। जैसे वहां पर क्वेश्चन पूछेगी तो मे बी विल बी एबल टू डील इट मोर। अभी हमें ऐसा पता चलता है कि बहुत सारे आर्थराइटिस के पेशेंट्स ऑर्थोपेडिक के पास जाते हैं, हमारे पास 3 साल के बाद में, 5 साल के बाद में आते हैं। हम दोनों बॉम्बे में है तो भी हमें कभी भी पेशेंट विद इन 6 मंथ्स ऑफ डिजीज ऑनसेट नहीं मिलता है। एक इम्पॉर्टेंट कारण है जो अपने को पेशेंट की मॉर्बिडिटी बढ़ाता है। कभी कभी पेशेंट, हमारे पेशेंट दोज आर अनट्रीटेड, उनके सारे शरीर में बीमारी फैल जाती है। जैसे मैंने आपको बोला कि आंखों में आएंगी, हार्ट में आएंगी, कान में आएंगी, जो दिखते आगे उसके बाकी के स्लाइड्स में आपको बता देगी। अभी ये जो मैं एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ, मैं नी जॉइंट आपने फोटो देखा है, राइट नी जॉइंट, वो पेशेंट का स्वोलन है। अगर एक 20 इयर्स का लड़का है और वो उसने बहुत सारा रनिंग कर गया और वो गिर गया, तो गिरने के बाद उसके नी जॉइंट का ट्रॉमा हो गया। इसके कारण जो पेशेंट्स को ट्रॉमा होता है, जो बीमारी 2-3 घंटे के अंदर आता है, अगर पेशेंट को फीवर नहीं है तो उसको हम बोलेंगे दिस इज नॉन इंफ्लेमेटरी, यानी कि ये पेशेंट मेरे पास नहीं आना चाहिए। हम आए तो बराबर से उसको डायग्नोस करेंगे, लेकिन ये पेशेंट ऑर्थोपेडिक के पास जाएंगे जो अपने हिसाब से पेशेंट को ट्रीट करेगा, सुई डालेगा, पानी निकालेगा, कुछ सर्जरी करना है तो वो करेगा, एमआरआई करेगा। अगर यही पेशेंट अगर 30 इयर्स की फीमेल है, उसको ये राइट नी का पेन स्वेलिंग धीरे धीरे 6 हफ्ते के अंदर आया है, उसको लेफ्ट नी में भी दर्द हो रहा है, हाथ के छोटे जॉइंट में दर्द हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे इंफ्लेमेटरी आर्थराइटिस है। इंफ्लेमेटरी, इम्यूनो इंफ्लेमेटरी मीन्स ये पेशेंट्स का शरीर उसके अगेंस्ट काम करके उसके जॉइंट में बीमारी आ रही है। तो आपको भी पता चलेगा कि ऑर्थोपेडिक आर नॉट इक्विवेलेंट टू रूमेटोलॉजिस्ट। मैं रूमेटोलॉजिस्ट हूँ तो मैं ऑपरेशन नहीं कर सकती हूँ, तो आपको सही मालूम होना चाहिए कि कौन से पेशेंट ने ऑर्थोपेडिक के पास जाना है और कौन से पेशेंट्स ने रूमेटोलॉजिस्ट के पास जाना है। मैंने आपको ये थोड़ा सा एक ओवरऑल बर्ड्स आई व्यू ऐसा आपको आपके सामने प्रेजेंट किया है। मैं दीप्ति पटेल को रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आगे स्लाइड्स रन करके आपको और कुछ बीमारी के बारे में पता चला कर दे। थैंक यू मैम, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे मैडम ने बताया कि आर्थराइटिस कई प्रकार के होते हैं, 100 से भी ज्यादा आर्थराइटिस होते हैं, और उसमें से सबसे कॉमन आर्थराइटिस है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। इसको आम भाषा में लोग गठे की बीमारी
या फिर आमवाद संधिवाद के नाम से भी जानते हैं। ये हमारे डे टू डे प्रैक्टिस में सबसे कॉमन इंफ्लेमेटरी आर्थराइटिस, यानी कि ऐसा आर्थराइटिस है जिसमें जोड़ों में सूजन आ जाती है। इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है बिकॉज ये लगभग 0.5 to 1% ऑफ द पॉपुलेशन को अफेक्ट कर सकता है, यानी कि इंडिया के पॉपुलेशन के हिसाब से आप देखें तो लाखों करोड़ों की संख्या में लोगों को रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बीमारी हो सकती है। और लगभग देखा गया है कि हमारे रूमेटिक डिजीजेस फीमेल्स में, लेडीज में एज कंपेयर टू मेन 3 times ज्यादा होती है। अब कई लोगों का मानना है कि आर्थराइटिस एक ओल्ड एज बीमारी है, ये सिर्फ ओल्ड एज में ही होता है, आपको जॉइंट पेन्स हो गया, आप तो इतने यंग हो, लेकिन रूमेटॉइड आर्थराइटिस और इंफ्लेमेटरी आर्थराइटिस किसी भी एज ग्रुप को अफेक्ट कर सकती है। बच्चों से लेकर अप टू द एज ऑफ 60 किसी को भी ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस इंफ्लेमेटरी आर्थराइटिस की बीमारी हो सकती है। यूजुअली हम पीक देखते हैं बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 40 to 60। अब सब सोचते हैं कि कारण क्या हो गया, ऐसे मैंने कुछ खा लिया या पी लिया उससे मुझे कुछ रूमेटिक डिजीज हो गया या कुछ यूज करने से हो गया। तो बहुत सारे सवाल होते हैं जब रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है पेशेंट्स को कि मुझे आखिर क्यों हो गया। तो बेसिकली द एग्जैक्ट रीजन क्यों होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस उसकी जानकारी हमारे पास नहीं है, लेकिन बहुत सालों के रिसर्च के बाद अब हमको पता है कि दीज आर व्हाट वी कॉल ऑटोइम्यून डिजीजेस। अगर आप रूमेटोलॉजिस्ट के पास गए तो वो हमेशा ये वर्ड यूज करेंगे कि आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है जो एक ऑटो इम्यून बीमारी है। ऑटो इम्यून सिंपल वर्ड्स में है कि हर एक के शरीर में एक इम्यून सिस्टम है, वो इम्यून सिस्टम को हम अपनी रक्षा प्रणाली बोलते हैं, वो एक तरह से अपना एक दोस्त है जो हमारी रक्षा करता है। लेकिन किसी किसी के इम्यून सिस्टम में किसी कारणवश फॉल्ट आ जाता है। ये फॉल्ट आपके कुछ खाने पीने से नहीं हुआ है, मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे हम बोलते हैं जेनेटिक या हेरिडिटरी, यानी कि वारसिक गति में भी ये पास ऑन हो जाता है। इसलिए वो फॉल्ट आने के कारण आपका इम्यून सिस्टम जो एक ट्रैक पे चल रहा होता है या फिर आपका दोस्त बन के चल रहा होता है, वो फॉल्ट के कारण वो ऑफ ट्रैक हो जाता है, आपका दोस्त से दुश्मन बन जाता है और दुश्मन बन के आप ही की नॉर्मल बॉडी को वो अटैक करता है। अटैक अगर अलग अलग हिस्सों पे होते हैं तो अलग अलग बीमारियां बनती है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसी बीमारी में वो जॉइंट्स को स्पेसिफिकली अटैक करता है, इसलिए ये जॉइंट्स की बीमारी होती है। अक्सर देखा गया है कि ये फीमेल्स को ज्यादा होती है, तो हार्मोन्स हैव अ रोल टू प्ले। फिर किसी किसी को ऐसा होता है कि मुझे इन्फेक्शन हुआ था, वायरल इन्फेक्शन हुआ था, उसके बाद जॉइंट्स पकड़ लिया, सूजन आने लगी। तो इन्फेक्शन या फिर कोई टाइप का ट्रॉमा, कोई मार लगा है, उसके बाद कोई ऑपरेशन हुआ है, उसके बाद कोई भी बॉडी के ऊपर स्ट्रेस आया, उसके बाद अगर आपकी फॉल्टी इम्यून सिस्टम है और आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस होना है तो वो ट्रिगर हो जाता है और फिर उसकी शुरुआत हो जाती है। तो जैसे मैंने बोला कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में ये इम्यून सिस्टम आपके जॉइंट्स को अटैक करता है। तो जैसे आप ये पिक्चर देख रहे हैं, एक नॉर्मल जॉइंट है, तो आप देख रहे हैं कि वो नॉर्मल जॉइंट है। अगर इसमें अटैक होता है तो उसके बाजू में जो जॉइंट है जहां पे बहुत सारा रेडनेस आप देख रहे हैं, तो जॉइंट के अंदर क्या हो रहा है, जैसे ही अटैक हो रहा है तो वो जॉइंट की लाइनिंग, वो पूरा जॉइंट जो है वो एंग्री हो जाएगा। तो जब एंग्री होते हैं तो क्या सिम्टम्स हो जाते हैं, रेडनेस आ जाती है, उसमें गर्म वार्मथ बढ़ जाती है और वो हिस्से में पानी भर जाता है, इसलिए वो स्वोलन हो जाता है। तो अंदर से ये अटैक होने के कारण ऐसा हो रहा है, तो आपके जॉइंट्स बाहर से कैसे दिखेंगे, जैसे एक नॉर्मल हैंड जो है उसका फोटो है और उसी के बाजू में आप देखेंगे कि आपके स्मॉल जॉइंट्स, यानी कि ये जो उंगलियां है उसके स्मॉल स्मॉल जो हिस्से है, जॉइंट्स हम बोलते हैं, वो जॉइंट्स में सूजन क्लियरली दिखाई देती है, रिस्ट जॉइंट में सूजन आ जाती है। तो फिर इसके सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं जहां पे अटैक होते हैं कि आपके जॉइंट्स सूज जाते हैं। तो आगे मैं सिम्टम्स के बारे में बताऊंगी आपको कि किस तरह से आप रेकग्नाइज करें। आज के इस लेक्चर में अगर आप सभी चीज भूल जाए, एक चीज पक्का आपको एक टेक होम मैसेज लेके जाना है कि अगर कोई आप या आपके जानकार आपके पास आए और बोले कि मुझे जॉइंट पेन की शुरुआत हो गई है, तो वो जॉइंट फैक्टर में एस फैक्टर, जॉइंट पेन के साथ एस फैक्टर का पूछना बहुत जरूरी है। अब ये 3 S factors क्या है, किसी ने बताया कि उनको जॉइंट पेन है तो आप पूछेंगे कि वो जॉइंट पेन के साथ उनको फर्स्ट एस यानी कि स्वेलिंग है, क्या वो जॉइंट पेन के साथ सूजन एसोसिएटेड है, तो क्या आपको सूजन आती है, दैट इज द फर्स्ट एस। स्टिफनेस, अब स्टिफनेस जो है वो बॉडी में जकड़न बोलते हैं हम, यानी कि जब सुबह उठते हैं आप तो जकड़न महसूस होती है पूरे बॉडी में, जॉइंट्स में, और फिर वो जकड़न आधे घंटे या लगभग 1 घंटे तक रहती है, जब तक
पेशेंट्स बोलते हैं कि वो बाथरूम में जाते हैं, हॉट वाटर से शावर लेते हैं या फिर अपनी डे टू डे एक्टिविटी करते हैं, तो मूवमेंट करने पे बेटर होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही गहरी बात है कि अगर कोई सुबह उठता है, बॉडी स्टिफ होती है और मूवमेंट और कामकाज करने के बाद जैसे फिर 10-11 बजे तो फिर उनको बेटर लगने लगता है मूवमेंट के साथ, तो वो एक इशारा होता है कि आपके जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन हो सकता है। सो स्वेलिंग, स्टिफनेस एंड थर्ड इज स्क्वीजिंग। तो अगर ऐसे लोगों को जैसे हम हैंडशेक करें, तो ऑफन हमारे क्लिनिक में भी आते हैं, तो हम जब एग्जामिन करते हैं तो उनके हाथों को हम यूं दबाते हैं, तो दिस इज अ वेरी ग्रॉस वे ऑफ सेइंग कि स्क्वीजिंग टेस्ट करो, हैंडशेक करो या पैर की उंगलियों को ऐसे दबाओ, तो उनको बहुत दर्द होता है, उनको अनकंफर्टेबल फील होता है, तो वो स्क्वीजिंग टेस्ट है। यानी के 3S, जॉइंट पेन्स के साथ स्वेलिंग, स्टिफनेस एंड स्क्वीजिंग पे पेन, ये तीन चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर इन्फ्लेमेशन ज्यादा होने के कारण कुछ लोगों को बहुत थकान महसूस होना, भूख नहीं लगना, उसकी वजह से वजन कम होना, ये सब भी उसके साथ सिम्टम्स आ सकते हैं। तो आज बहुत जरूरी है कि हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में क्यों अवेयरनेस स्प्रेड कर रहे हैं। ये पूरा अक्टूबर मंथ वी विल सेलिब्रेट एज आर्थराइटिस अवेयरनेस, बिकॉज अब हम इस स्टेज पे है कि ये सारे सिम्टम्स और ये बीमारी के साथ हम लड़ सके। एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रूमेटॉइड आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट बहुत सही तरीके से और बहुत ही जल्द करवाए, क्योंकि जैसे आप ये पिक्चर देख रहे हैं तो 3 पार्ट्स है, एक अर्ली रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, एक इंटरमीडिएट यानी के बीच में का हिस्सा और एक लेट हिस्सा। तो अभी हम विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी बोलते हैं ट्रीटमेंट की। तो जैसे आज किसी को स्ट्रोक हुआ, आज किसी को हार्ट अटैक हुआ, पहले के जमाने में क्या होता था कि हम कुछ इंजेक्शन लगाते थे जिससे खून पतला होता था, लेकिन आज के जमाने में इफ यू हैव अ हार्ट अटैक विद इन द आवर, विद इन 2 hours आप हॉस्पिटल पहुंचे तो आपका इमिजिएटली एंजियोप्लास्टी हो जाता है। उससे क्या होता है कि आपकी हार्ट की फंक्शन बरकरार रहती है, जितना हम डैमेज प्रिवेंट कर सके उतना ज्यादा बेहतर है। उसी कंडीशंस के जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी इन्फ्लेमेशन और सूजन को जितना जल्दी हम टैकल करेंगे उतने जल्दी हमको रिजल्ट्स मिलेंगे। और हमको ये क्यों करना है, बिकॉज 1, आप पेन में जो दर्द है, जो स्टिफनेस है, उसके साथ आप जी नहीं सकते ऑल द टाइम टेकिंग पेन किलर्स, जो आपके लिए अच्छा नहीं है। एंड सेकेंड थिंग इज कि अगर ये इन्फ्लेमेशन का अटैक चलता रहा, आपने इग्नोर किया या फिर सिर्फ ऊपर ऊपर की दवाई कर रहे हैं, तो वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस इन्फ्लेमेशन जॉइंट्स में करके जॉइंट्स को डैमेज कर देता है ओवर द इयर्स। और जैसे आप ये लास्ट स्लाइड में देख रहे हैं, लेट रूमेटॉइड आर्थराइटिस ये जो होता है वो डैमेज होकर परमानेंट, हम जैसे बोलते हैं परमानेंट डिसेबिलिटी या फिर परमानेंट डैमेज के साथ प्रेजेंट होता है। सो आज के जमाने में व्हाट वी वांट टू डू इज ये जो अर्ली आ रहे हैं उसी में पेशेंट्स को डायग्नोज करें, वहीं पे ट्रीटमेंट स्टार्ट करें ताकि हम ये डैमेज प्रोटेक्ट कर सके। और जैसे ये मेनली तो है जोड़ों की बीमारियां, जैसे हमने बोला कि जॉइंट्स पे फोकस है, लेकिन आपके रूमेटोलॉजिस्ट जब आपको देखते हैं तो बहुत ही डिटेल में हिस्ट्री लेते हैं और एग्जामिन करते हैं, बिकॉज रूमेटॉइड आर्थराइटिस का जो इन्फ्लेमेशन है वो आपके स्किन को भी अफेक्ट कर सकता है। तो किसी किसी को जो सिवियर रूमेटॉइड आर्थराइटिस होते हैं उनकी एक ब्लड टेस्ट एंटी CCP पॉजिटिव होती है, उनको स्किन पे ऐसे बड़े बड़े नोड्यूल्स जिसको हम बोलते हैं, जो एक कड़क गड्ढे जैसा लगता है, वो एल्बोज पे होते हैं जिसको हम रूमेटॉइड नोड्यूल्स बोलते हैं। किसी किसी को ये आईज में बहुत ही ड्राइनेस करता है, तो एसोसिएटेड शोग्रंस करके एक कंडीशन होता है जो आईज और माउथ को बहुत ड्राई कर देता है और आईज में भी इन्फ्लेमेशन कर सकता है। इसके साथ साथ 30-70% ऑफ पेशेंट्स जिनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, स्पेसिफिकली सीवियर रूमेटॉइड आर्थराइटिस, और जिनका anti-CCP एंटीबॉडी टेस्ट पॉजिटिव है, स्मोकिंग करते हैं, तो उनका जो है वो लंग्स भी अफेक्ट हो सकता है, लंग्स में भी इन्फ्लेमेशन होता है जिसको हम इंटरस्टिशियल लंग डिजीज बोलते हैं। एंड वेरी स्पेसिफिकली हम जानते हैं कि मेल पेशेंट्स स्मोकर्स हो, उनका जो सिवियर डिजीज हो तो आपके लंग्स इन्वॉल्वमेंट के चांसेस बहुत ही हाई है, और उन पेशेंट्स को जो है स्मोकिंग, टबैको च्यूइंग से ये डिजीज जो है वो वर्सन हो सकती है। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्रिंग सम लाइफस्टाइल चेंजेस, स्पेशली इफ देयर इज स्मोकिंग एंड टबैको यूज। तो जैसे मैंने बोला कि रूमेटोलॉजी में हिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे ही आप रूमेटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, आई थिंक ये सब जो सिम्टम्स है वो सबसे ज्यादा जरूरी है हमें डायग्नोज करने के लिए कि आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। उसके साथ साथ हम कुछ ब्लड टेस्ट ऑर्डर करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, जिससे हमको थोड़ी और जानकारी मिले।
उसमें से आप देखेंगे कि आपके रूमेटोलॉजिस्ट शायद आपके लिए एक ESR और CRP करके जो इन्फ्लेमेशन ब्लड में सूजन का लेवल दिखाते हैं वो ब्लड टेस्ट रिक्वेस्ट कर सकते हैं जो हाई आता है। और साथ साथ हमने देखा है कि कुछ पेशेंट जो है वो अपनी तरफ से ही RA फैक्टर और anti-CCP जो खास रूमेटोलॉजी टेस्ट है वो कराते हैं और फिर बोलते हैं कि हमको सिम्टम्स है सारे रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लेकिन हमारी ब्लड टेस्ट नेगेटिव है। तो एक बात बहुत जरूरी है जो आपको ध्यान में रखनी है कि 30-40% ऑफ पीपल को ब्लड टेस्ट नेगेटिव हो सकता है, इसको हम सीरो नेगेटिव रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं। आपको सारे लक्षण रूमेटॉइड आर्थराइटिस के हो सकते हैं लेकिन ब्लड टेस्ट नेगेटिव, तो जरूरी नहीं है कि नेगेटिव ब्लड टेस्ट हो तो आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस नहीं है। और जरूरी ये भी नहीं है कि पॉजिटिव ब्लड टेस्ट आया तो आपको डेफिनेटली वो बीमारी है। इसलिए रूमेटोलॉजिस्ट से मिलना, आपका सिम्टम्स डिस्कस करना और फिर ब्लड टेस्ट को साथ में लेना बहुत ही जरूरी है। और हम अक्सर देखते हैं कि हमारे पेशेंट्स एक बार ब्लड टेस्ट RA फैक्टर और anti-CCP करते हैं तो हर साल हर 6 महीने में रिपीट करते रहते हैं। वो जो है वो गलत बात है। एक बार आपकी ये एंटीबॉडी पॉजिटिव है तो वो है और फिर वो जो है वो ट्रीटमेंट से चेंज ऊपर नीचे नहीं होता या फिर उसका लेवल ऊपर नीचे होने से आपकी डिजीज कंट्रोल में है या बढ़ रही है वैसा नहीं पता चलता। इट्स मेनली ऑन द सिम्टम्स एंड ESR CRP जो हम मॉनिटर करते हैं। थैंक यू डॉक्टर्स ये संक्षिप्त में जानकारी देने के लिए। और हमारे साथ काफी श्रोता जुड़े हुए हैं ये FB लाइव के माध्यम से और उन्होंने हमें काफी सारे क्वेश्चंस पहले से भी भेज के रखे हैं और इस प्लेटफॉर्म पे भी काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं तो मैं एक वन बाय वन आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी। पहला क्वेश्चन है डॉक्टर लता बिचले को, इस RA की बीमारी में क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है? पहले ये बात समझ लेना कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज ए क्रॉनिक डिजीज, यानी लंबे समय तक चलने वाली बीमारी है। जैसे डायबिटीज मेलिटस है, हाइपरटेंशन है। अभी बहुत सारी जागरूकता हो गई है डायबिटीज और हाइपरटेंशन के बारे में, तो बहुत सारे ये पेशेंट्स को मोर देन 3-4 ड्रग्स इकट्ठा दिए जाते हैं जिससे डायबिटीज के और हाइपरटेंशन के कॉम्प्लिकेशन कम हो जाते हैं। ये जो चार्ट दिखता है वो बताता है कि कौन सी दवाइयाँ अपने को मिल जाती है। अगर मुझे इसका जवाब ये अगर मुझे चार्ट पढ़ना है तो मैं ऐसे बताऊंगी कि सबसे पेन अपन भी जस्ट डिवाइड किए, पहले तो एक पेन किलर दिया जाता है पेशेंट्स को, लेकिन पेशेंट्स क्या करते हैं ये जो पेन किलर्स होते हैं they are just available over the counter. So, dusra drug which came into the market was aspirin, which is a painkiller, but we are not using aspirin nowadays. We are using small, jo kam samay mein kaam karne wali goliyan, ya jo enteric coated dawaiyan hoti hai, jisse dawai ke side effect bhi kam ho jate hain. Baad mein gold bhi use karte the hum log. मैंने गोल्ड यूज किया है बट अभी गोल्ड हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं। इट वॉज वंस अपॉन ए टाइम जैसे अभी बायोलॉजिकल एजेंट है वैसे ये गोल्ड पहले काम करता था लेकिन अभी आजकल हम गोल्ड नहीं यूज कर रहे हैं। देन वी कम टू स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड बोलेंगे तो पेशेंट्स के मन में बहुत सारी शंका कुशंकाएं होती है। स्टेरॉइड पानी जैसा पेशेंट खा लेते हैं जो कि बहुत ही गलत है। स्टीराइड को हम एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग बोलते हैं। एंटी इंफ्लेमेटरी का मतलब क्या है, जैसे दीप्ति ने बताया जॉइंट के अंदर सूजन होना, पानी होना, ब्लड सप्लाई बढ़ना या पेन होना, ये जो क्रिया है दैट इज बिकॉज ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज। और फर्स्ट ड्रग फॉर एनी ऑटो इम्यून डिजीज इंफ्लेमेशन इज कॉर्टिकोस्टेरॉइड। स्टीराइड बहुत सारे नामों से आता है, मिथाइलप्रेडनिसोलोन, प्रेडनिसोन, बाइसोलोन, डेफ्लर्जोकॉर्ट या मेड्रॉ, ये बहुत सारे नाम है। और उसकी स्ट्रेंथ जो होती है 1 मिलीग्राम से लेकर 60 मिलीग्राम तक भी हम डोज दे सकते हैं। लेकिन जब हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस में स्टेरॉइड यूज करेंगे तो डोज हमेशा लेस देन 10 मिलीग्राम रहेगा। इट विल बी लाइक ए ब्रिज ट्रीटमेंट, ब्रिजिंग ट्रीटमेंट। जैसे हमें एक कोने से लेकर दूसरे कोने में जाना है तो हम ब्रिज का उपयोग करेंगे, उसी तरह से स्टेरॉइड काम कर लेता है। इसका मतलब अगर मैंने वाइसोलोन 5 मिलीग्राम लिखा आपको ओनली फॉर 6 वीक्स तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको खाली 5 मिलीग्राम 6 वीक्स ही ले लें और इमीडिएटली बंद कर दें। कभी कभी जब हम 60 मिलीग्राम डोज देते हैं दूसरी बीमारियों में वो टाइम हमारा एक स्केड्यूल पैटर्न होता है, हम 60 से 50 पे आएंगे, 40 पे आएंगे, 30 पे आएंगे।
तो एक डोज जो है स्मॉल डोज एंड हायर डोज, बट मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स विल हैव स्मॉल डोज थेरेपी. स्टेरॉइड के बारे में एक इम्पॉर्टेंट थिंग, मेनी पेशेंट कंज्यूम स्टेरॉइड ऑन देयर ओन. जैसा मैंने बोला, पेन किलर्स और स्टेरॉइड दे आर मोस्टली मिसयूज्ड बाय द पेशेंट. हम भले 6 वीक्स को लिखेंगे, पेशेंट 3 महीने खाएगा. वो क्यों खाएगा? उसको लगता है कि जब मैं स्टेरॉइड लेता हूँ तो मैं बिल्कुल अच्छा हो जाता हूँ. लेकिन हमें ये दवाई हम क्यों देते, उसके साथ हम बहुत सारी दूसरी दवाइयां देते देते जिसको बोलते हैं हम डिजीज DMARD, यानी ये दवाइयां तुम्हारा आर्थराइटिस कम करेगी, लेकिन ये दवाई लंबे समय तक लेना है क्योंकि ये दवाई धीरे धीरे काम करती है. जब मुझे अगर हमने मैंने एक्सिक्यूज दिया, निकोटिक्स दिया, तो ये दवाइयों का इफेक्ट आने पे मुझे टाइम लगेगा. मुझे पेशेंट को देखना है कि पेशेंट का दर्द कम होना चाहिए, वो टाइम में पेशेंट को स्टेरॉइड दे दूंगी. तो मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों को ये है कि स्टेरॉइड को अपने आप से मत कंज्यूम करना है, क्योंकि इट विल गिव राइज टू लॉट ऑफ साइड इफेक्ट्स. अगर एक मैंने स्टेरॉइड दिया है, पेशेंट ने 3 महीने दूसरी दवाई खाई है, लेकिन मेरा नी जॉइंट, एक पेशेंट का नी जॉइंट अभी भी स्वोलन है, अभी भी पेनफुल है, वो टाइम आई पेशेंट्स को हम इंट्राआर्टिकुलर स्टेरॉइड्स पे दे सकते हैं. थैंक यू मैडम. और मेरा अगला सवाल है टू डॉक्टर दीप्ति पटेल. One of the patient wants to know what are the myths and facts about you know the treatment about RA. Okay. Rheumatoid arthritis को लेकर there is a lot of गलतफहमियाँ. पहले तो ऐसा होता है कि जैसे joint pains होता है तो स्वाभाविक है कि लोग पहले घरेलू उपचार से उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, which is completely all right. Heat bag लिया, cold compresses किया, पेन किलर्स ले लिया. लेकिन जैसे मैंने बोला कि अगर आपका जॉइंट पेन्स है, जो जॉइंट पेन्स 4 हफ्ते 6 हफ्ते से लगातार है और बढ़ते जा रहा है विद द 3S फैक्टर, तो हमें सोचना है कि ये कोई अंदरूनी बीमारी है जो जॉइंट्स को अफेक्ट कर रही है. और फिर आपको एक डॉक्टर, स्पेशली अगर रूमेटोलॉजिस्ट का आपके पास एक्सेस है, तो उनको डेफिनेटली कंसल्ट करना चाहिए. अब उसको लेके बहुत मिथ्स है कि एलोपैथी ट्रीटमेंट जो है वो बहुत ही डेंजरस है, एलोपैथी ट्रीटमेंट से लिवर किडनी पे असर हो जाता है, बहुत लंबे समय की बीमारी. तो ये सारी जो है वो बहुत सारे लोगों को शक रहती है, डाउट्स रहता है. लेकिन एलोपैथी जो ट्रीटमेंट एस्टैब्लिश्ड है, जैसे मैम ने बोला, हम शॉर्ट कोर्स ऑफ स्टेरॉइड करके इतना उसको सिस्टमैटिकली देते हैं कि लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट ना हो, उसकी हम पहले तो मेक श्योर दैट वी प्रिवेंट इट. And the second thing is that अभी हम disease modifying drugs, यानी कि जो main arthritis की दवा immune system पे काम करती है, वो इस्तेमाल करते हैं, जो अभी बहुत सालों से available है, and we know कि वो क्या effect करती है, क्या side effect करती है. इसलिए हम appropriate patient को चुन के उनके लिए जो treatment सही है, उनके liver और kidney को जो suit हो सके, वैसे ही dose में वो चालू करते हैं और regular monitor करते हैं. And again कुछ लोगों का belief रहता है कि शायद होम्योपैथी, एलोपैथी, होम्योपैथी और आयुर्वेदा में ज्यादा मतलब साइड इफेक्ट्स नहीं है, और वो प्रिफर करते कि लॉन्ग टर्म कुछ भी ट्रीटमेंट हो तो उसमें. तो आई वुड लाइक टू से दैट आयुर्वेदिक एंड होम्योपैथी आर वेरी वेरी रिस्पेक्टेड एंड ओल्ड फील्ड्स ऑफ मेडिसिन. ऑफकोर्स हम जो है वो एलोपैथी में ट्रेन हुए हैं, इसलिए हमको एलोपैथी की जानकारी ज्यादा है. बट हैविंग सेड दैट, आयुर्वेदिक एंड होम्योपैथी इज वेरी रिस्पेक्टेबल, उसके बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं है. लेकिन हम ये चीज बोलेंगे कि जितना एडवांसेस एलोपैथी में है अभी आर्थराइटिस को लेकर या कौन सी बीमारी में लेकर, आई थिंक वी अंडरस्टैंड द डिजीज बेटर, वी नो आर ट्रीटमेंट हाउ इफेक्टिव इट इज, वी अंडरस्टैंड द इफेक्ट्स एंड साइड इफेक्ट्स ऑफ आर ड्रग, सो रेगुलर मॉनिटर करते हैं. तो मेरी सलाह यही होती है पेशेंट्स को कि आप ड्रग्स को मिक्स ना करें, जो आप एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं उसको फॉलो करें और रेगुलर फॉलो अप रखें, ताकि हम कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको पहले से ही पिकअप करके फिर उसको एड्रेस कर सके. सो इट इज अ वेरी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिटवीन अ पेशेंट एंड रूमेटोलॉजिस्ट जो चलता है, एंड दैट हैज टू बी इंडिविजुअल, आई वुड से. थैंक यू मैडम. मिस्टर शाह जानना चाहते हैं, ये मेरे सवाल लता मैडम से है, कि ऑस्टियो आर्थराइटिस और ये ऑस्टियोपोरोसिस नामक चीज क्या है और उसमें कैसे पता चले. ऑस्टियो आर्थराइटिस ऐसी बीमारी है जो कि हमेशा पेशेंट जिनको डायबिटीज है, लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज है, जो पेशेंट बहुत सारे ओबीज है, ये पेशेंट्स को ऑस्टियोआर्थराइटिस की बीमारी होती है. ऑस्टियोआर्थराइटिस हमेशा वेट बेयरिंग जॉइंट्स पे होता है. वेट बेयरिंग जॉइंट्स का मतलब मेरे हिप जॉइंट्स या नी जॉइंट्स और एंकल जॉइंट्स.
कुछ आर्थराइटिस जिसको हम हेरिडो फैमिलियल ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं, जो हमेशा अपने को अपनी ग्रैंड मदर से आता है, ग्रैंड मदर से मम्मी को आएगा, मम्मी से लेकर उसकी बेटी को आएगा। एक ये जो हेरिडो फैमिली आता है, वो हमेशा अपनी उंगलियों के आखिरी जॉइंट्स को हो जाता है और दोनों का नेचर सेम ही होता है। अभी ऑस्टियोआर्थराइटिस का अगर फर्स्ट अपन ज्वाइंट देखे, वहां पे दो ज्वाइंट दिखते हैं अपने को, जो फर्स्ट ज्वाइंट है वो नॉर्मल है, लेकिन सेकंड ज्वाइंट जो है उसके अंदर ज्वाइंट की स्पेस कम हो जाती है, यानी दोनों ज्वाइंट्स एक दूसरे को जब अपन चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं तो एक दूसरे को रब करेंगे और आपको दर्द हो जाएगा। इसको जो हमेशा बोला जाता है कि आपकी ज्वाइंट के अंदर का फ्लूइड कम हो रहा है, वो एक प्रकार का ऑयल रहता है जो अपने कार्टिलेज को, गादी को न्यूट्रिशन देते रहता है, जब उसको हम साइनोविक फ्लूइड बोलते हैं। नॉर्मल साइनोविक फ्लूइड के अंदर हाइड्रोनोरिक एसिड होता है, अगर वो कम होगा तो अपने को आर्थराइटिस की, ओल्ड एज रिलेटेड आर्थराइटिस की बीमारी हो जाती है। ये जो आर्थराइटिस उसके मैनेजमेंट के फर्स्ट प्रिंसिपल रहता है कि छोटी सी दवाई लेना है, मैंने पहले तो एक्सरसाइज करना है, मेरा वेट रिडक्शन करना है, वेट रिडक्शन करते टाइम वेट रिडक्शन इज बाय एक्सरसाइज, सो दैट वी आर ऑल्सो बिल्डिंग अवर मसल्स, वी आर ऑल्सो सी दैट जब मैं उठ रही हूँ तो मुझे मालूम होना चाहिए कि मेरे पैर की ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए जिससे मेरे हड्डी दूसरे हड्डी को न मिल जाए। दूसरा इम्पोर्टेंट चीज है कि अपना वेट कम करना है। वेट कम करना आजकल एक बहुत फैड हुआ है, दैट इज वन वे इट इज गुड, बट आई विल नेवर प्रिफर ए जीरो फिगर इन ऑल ग्रोइंग गर्ल्स और गर्ल्स एट द एज ऑफ मैरिज और द गर्ल्स व्हेन दे आर गोइंग टू हैव अ प्लानिंग ए किड। वेट का मतलब होता है कि एक लाइफ इंश्योरेंस का चार्ट होता है, तुम्हारा वेट और तुम्हारी हाइट, इसके ऊपर तुम्हारा हाइट और तुम्हारा बॉडी मास के ऊपर एक BMI आएगा, उसके मुताबिक आपको वेट रिडक्शन करना है। वैसा कि जैसा रूमेटॉइड आर्थराइटिस में अगर एक ओबेज लेडी है तो उसका आर्थराइटिस जल्दी करेक्ट नहीं हो जाएगा, उसको दवाई ज्यादा लगेगी, ड्रग रेजिस्टेंट क्योंकि वो पेशेंट बहुत सारा वेट के लिए। सेकेंड ट्रीटमेंट रहेगी कि कभी कभी जब जॉइंट्स, जब पेशेंट बेड से उठ नहीं पाता है, बैठ नहीं पाता है, टॉयलेट नहीं यूज कर सकता है, खुद के कपड़े नहीं डाल सकता है बिकॉज वो हमेशा खड़ी नहीं रह सकते, ये टाइम में हम सर्जरी का, हमें पेशेंट ऑर्थोपेडिक को लेकर सर्जरी को भेज देते हैं। सर्जरी आजकल बहुत सिंपल हो गई है, एक एक, एक, एक अगर दोनों जॉइंट्स खराब है तो अपन जो पहला खराब जॉइंट है उसको पहले ऑपरेट करेंगे, दो तीन दिन के बाद में दूसरे जॉइंट को ऑपरेट करेंगे। आजकल नी रिप्लेसमेंट हैज बिकम ए डे केयर थेरेपी, जो प्रकार का सांधापन बदल रहे हैं और जो अपन मैकेनिकल जॉइंट लगाते हैं उसका चॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने को ऐसा जॉइंट चूज करना है जो लंबे समय तक चलेगा, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑस्टियोपोरोसिस जो है, ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब मेरी हड्डियां कमजोर हो रही है, अपने शरीर में हड्डी पैदा होना और उसका वेयर एंड टेयर होना अपनी जिंदगी के साथ जुड़ा हुआ है। ऑस्टियोपोरोसिस इज मोर कॉमन लड़कियों की बीमारी या फीमेल की बीमारी है। क्यों बीमारी है? क्योंकि जैसे लड़की अपने एज में आती है, प्यूबर्टी में आती है, वहीं से उसका बोन तैयार होना शुरू होता है। तो जो लड़कियां, जिनको लड़कियां, उन्होंने ध्यान देना चाहिए कि लड़की बराबर से खाना पीना खाए, उसको हमेशा दूध वगैरह देना चाहिए। देयर शुड बी, शी शुड बी एटलीस्ट हैव मिनिमम एक्सरसाइजेस एंड शी शुड आल्सो इन्वॉल्व हरसेल्फ इन द स्पोर्ट्स। आजकल स्पोर्ट्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन स्पोर्ट अगर करियर भी है तो भी ये पेशेंट्स को अपनी हड्डियां बहुत मजबूत रखनी पड़ती है। दूसरी चीज, हमारे जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के जो पेशेंट्स होते हैं, इनका जो इन्फ्लेमेशन है, जैसे मैंने बोला हार्ट के ऊपर जाएगा, डिप्थीरिया बोला लंग में जाएगा, वैसा ही इन्फ्लेमेशन हमारे बोन के ऊपर भी आता है और हमारी हड्डियां धीरे धीरे कम हो जाती है। हम लोग स्टीरॉइड, जो पेशेंट अपने मन से स्टीरॉइड्स खा लेते हैं अपने सालों साल या महीनों महीना, स्टीरॉइड का इम्पोर्टेंट साइड इफेक्ट ऑस्टियोपोरोसिस होता है, यानी हड्डी तैयार होने का प्रमाण कम रहेगा, हड्डी निकल जाने का प्रमाण ज्यादा रहेगा और पेशेंट को ऑस्टियोपोरोसिस होते उसको फ्रैक्चर हो सकता है। कॉमन फ्रैक्चर स्पाइंस के होते हैं, लेकिन वर्स्ट फ्रैक्चर ऑफ हिप जॉइंट का होता है, जो कि बहुत खर्चे का काम है और कभी कभी पेशेंट अपनी जान भी गवा सकता है। अदर ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर विल बी इन द रिस्ट, इन द रेडियस एंड द अल्ना। सो ये सब चिन्ह होते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट थिंग, फीमेल दे प्रोड्यूस चिल्ड्रन, राइट?
जो लेडीज को पांच पांच छह छह बच्चियां हैं, वो कौन से सोसाइटी के क्लास से आई है, whether she is conscious of her health, how is her diet, which drug she is taking, ये सब चीजें भी मायना रखती हैं जब मल्टीपैरस वुमन को, जिनको ज्यादा बच्चे हैं उनको भी ऑस्टियोपोरोसिस होता है. लास्ट स्टेज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, रीजन फॉर ऑस्टियोपोरोसिस इन वुमेन इज मेनोपॉज. आजकल मेनोपॉज, बहुत सारे लोगों को जल्दी मेनोपॉज आता है, बहुत सारे पेशेंट्स का यूट्रस निकाला जाता है फॉर अदर गायनेकोलॉजिकल कंडीशंस. बिलो 40 अगर वुमन का यूट्रस निकाला गया तो ये ओवरीज रखते हैं, और जो ओवरी अच्छा काम करते थे ये पेशेंट्स में ऑस्टियोपोरोसिस कम मात्रा में डेवलप हो जाएगा. लेकिन अबाउट 40 इयर्स और फैमिली इज कंप्लीटेड और उसका यूट्रस निकाला गया तो कभी कभी ओवरीज भी निकल जाती है, क्योंकि मोस्ट कॉमन कैंसर इन वीमेन इज सर्वाइकल कैंसर है एंड ओवेरियन कैंसर, सो नो वन वांट्स टू टेक दैट रिस्क इफ सपोज द बेबी इज अंडरगोइंग हिस्टेरेक्टॉमी या यूट्रस निकाला जा रहा है. तो फीमेल पेशेंट्स में मेनोपॉजल एज में फर्स्ट 3 इयर्स ऑफ मेनोपॉज आर वेरी वर्स्ट, वहां पे बहुत रैपिड बोन लॉस हो जाता है. ये ऑस्टियोपोरोसिस इज ए प्रिवेंटेबल डिजीज. हम रूमेटोलॉजिस्ट हमेशा पेशेंट्स को कैल्शियम, विटामिन डी, और अगर कभी एक कम हुआ, जैसे मुझे लगा कि मेरे पास एक इसेगी का पेशेंट है जो 60 मिलीग्राम वाइसोलोन ले रहा है, शी माइट नीड वाइसोलोन इवन फॉर 5 इयर्स, तो हम लोग विद इन 3 मंथ्स हमें पेशेंट्स को बिसफॉस्फोनेट बोल के दवाइयां देते हैं. कभी पेशेंट ने ना बोला और कभी उसको लगा कि नहीं, जब फिर हम PMD बोल के टेस्ट करते हैं उसके ऊपर हमें प्रमाण मिल जाता है कौन से पेशेंट को बिसफॉस्फोनेट लेना है, कौन से पेशेंट्स को पैराथर्मोन देना है और कौन से पेशेंट्स को नई दवाई देना है. तो ये ऑस्टियोपोरोसिस ये हड्डी की बीमारी है, प्रिवेंटेबल है, कॉमन वीमेन में है, उसके लिए दवाइयां है. ये सब चीजें जब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, जब हम दवाई लिखते हैं तो हम सब ये सब सोच, जब हम प्रिस्क्रिप्शन कर लिखते हैं तभी ये सब सोच हमारे मन में आ जाती है. और मोस्ट ऑफ द रूमेटोलॉजिस्ट वी प्रिवेंट ऑस्टियोपोरोसिस इन अवर प्रैक्टिस एक्सेप्ट एसएडी और वैस्कुलाइटिस बीमारी, ये पेशेंट्स के अलावा दूसरे पेशेंट्स को ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर्स नहीं होते. थैंक यू. अगला सवाल डॉक्टर दीप्ति पटेल को है कि डाइट और खाने पीने में क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, या किस तरीके की एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, इस बारे में अगर कुछ जानकारी दे सके तो. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है. आई थिंक मेरा कंसल्टेशन जो है वो कंप्लीट नहीं होता है, या फिर जब मैं इस पूरा डिजीज और ट्रीटमेंट समझा चुकी हूँ और पेशेंट दरवाजे तक पहुंचते वो पलट के हमेशा पूछेगा कि मैं खाऊं पीऊं क्या, क्या मैं ये खा सकती हूँ, मैं ये छोड़ दूं. तो ये बहुत ही अहम सवाल है डे टू डे के लिए, और इसको लेकर जैसे हम बोल रहे हैं मिथ्स एंड फैक्ट्स, यानी कि गलत फहमियां बहुत है पब्लिक में कि वो बहुत सारी चीजें जॉइंट पेन होता है तो जैसे ही जॉइंट पेन शुरुआत हुई तो बहुत सारी चीजें वो छोड़ देते हैं कि मुझे इसका परहेज करना है. अब जैसे आई वुड से कि एक इंग्लिश में कहावत है कि मोस्ट डिजीजेस, मेजॉरिटी ऑफ द डिजीजेस स्टार्ट फ्रॉम द किचन, यानी कि हम जो खाते पीते हैं वो हम है. तो डाइट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ एंड आई थिंक जनरली व्हेन यू हैव अ डिजीज प्रोसेस. लेकिन साइंटिफिकली अगर हम देखे जाए तो ये आर्थराइटिस में बहुत सारा रिसर्च हुआ है कि कोई ऐसी स्पेसिफिक चीज है जो नहीं लेना चाहिए या फिर नहीं. तो रिसर्च के कंक्लूजन के हिसाब से हम स्पेसिफिकली लोगों को कुछ अवॉइड करने को नहीं कहते हैं बिकॉज उसका कोई साइंटिफिक लिंक नहीं मिला है. हैविंग सेड दैट, अगर आपको गाउट की बीमारी यानी यूरिक एसिड की बीमारी है तो डेफिनेटली आपके डॉक्टर बोलेंगे कि आपको प्रोडक्ट्स जिसमें हाई प्यूराइंस प्रोड्यूस होते हैं जैसे अल्कोहल है, हाई शुगरी स्टफ और यू नो मीट, सी फूड, सारी नॉनवेज चीजें, उसमें प्यूराइन प्रोटीन्स बहुत होते हैं जो यूरिक एसिड बनाते हैं. तो अगर यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है तो आपकी डॉक्टर स्पेसिफिकली आपको वो सलाह देंगे. लेकिन रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसी बीमारी या लूपस जैसी बीमारी में द जनरल एडवाइस इज ईट हेल्दी. अब उसमें क्या मतलब होता है, फूड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू इन्फ्लेमेटरी फूड्स एंड नॉन इन्फ्लेमेटरी फूड्स. सो आपके इन्फ्लेमेटरी फूड्स वो होते हैं जो जंक फूड, यानी कि वेरी वेरी हाईली फैटी फूड जिसमें वेरी हाई कंटेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, वेरी वेरी हाई शुगर है. तो अगर आपको इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है और जंक फूड लेते हैं तो वो जो डिजीज है उसका बढ़ना इज अनहेल्दी, तो वो जो बढ़ना है वो उसके साथ लिंक हो सकता है. लेकिन अगर आप हेल्दी डाइट, जो हम मेडिटेरियन डाइट बोलते हैं, यानी कि प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जिसके अलग अलग कलर्स है, बहुत कलरफुल, हमारे आई थिंक वेरी सिंपल
चीजें एंड अगेन गोइंग बैक टू प्रिंसिपल्स, हमारे किचन में इतनी सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं जो इजीली अवेलेबल है, लाइक टर्मरिक, हल्दी, जिंजर, गार्लिक, सिनेमम, दालचीनी, ये सब जो हमारे यू नो आई थिंक एंशियंट टाइम्स में भी एज यू से आई थिंक हमारे ग्रैंड मदर्स भी उसको प्रमोट करते थे. आई थिंक वी आर वेरी रिच इन दैट कल्चर कि हमारे ये सब जो फूड्स है बहुत ही हेल्दी है और एंटी इंफ्लेमेटरी है. इसलिए इसका प्रयोग जो है वो आप अपने डाइट में जितना ज्यादा करेंगे, जितना फ्रूट्स वेजिटेबल्स ज्यादा करेंगे वो बहुत ही अच्छा है. बट वी विल नॉट गिव अ ब्लैंकेट. आई थिंक बहुत सारे पेशेंट्स हमारे ऐसे आते हैं जो सब कुछ छोड़ देते हैं, परहेज कर लेते हैं खुद से ही, और मैंने देखा है कि उनकी विटामिन B12 इतनी कम हो जाती है, उनकी विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है, और फिर हमें उनको इतनी सारी दवाइयां देनी पड़ती है टू ब्रिंग अप दोस विटामिन लेवल्स. इसलिए आप फूड को अपना दोस्त बनाइए, हेल्दी फूड्स एंड अनहेल्दी फूड्स में डिवाइड करके यू कैन टेक इट. सो आई थिंक दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू से अबाउट डाइट. एक्सरसाइज के बारे में मैम आप आई थिंक ऑफकोर्स इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एक्सरसाइज जो है वो किस बात ओवरऑल फिटनेस. अभी आर्थराइटिस के पेशेंट पूछते हैं मैं तो चल नहीं सकते तो मैं एक्सरसाइज कैसे करूं, लेकिन यू हैव टू बी वेरी पॉजिटिव. एक्सरसाइज अपन क्यों करते हैं, जैसा मैंने बोला कि अपने जॉइंट्स या जॉइंट्स को मजबूत रखना है, जॉइंट्स को फंक्शन में लाना है, जॉइंट में दर्द नहीं होना चाहिए. एक्सरसाइजेज है उसको अपन पहले स्ट्रेट एक्सरसाइजेस बोलेंगे जो अपने को योगा से मिल जाते हैं. आजकल योगा बहुत पॉपुलर हुआ है और बहुत सारे इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन इन द कम्युनिटी. एवरी हाउस में और कोविड के टाइम में लोगों ने योगा करना बहुत अच्छी तरह से सीख लिया है. स्ट्रेच एक्सरसाइजेस मीन सपोज मैं सुबह उठ गई हूँ और मुझे मेरा हाथ मेरी उंगलियां ऐसे नहीं हो रही है, जैसे दीप्ति ने बोला दिस इज द स्टिफनेस, मैं ऐसा चाय का बर्तन नहीं उठा सक रही हूँ, तो मैंने क्या करना चाहिए एक गर्म पानी में. मैं हमेशा पेशेंट्स को बोलती जैसे तुम पहले चाय का पानी रखते हो थोड़ा सा ज्यादा पानी उसमें डालो, वार्म करो, उसके अंदर तुम्हारी उंगलियां लेके उसको आप ऐसा ऐसा करते रहो. तो दिस इज नथिंग बट द सिंपल स्ट्रेच एक्सरसाइजेस. जैसे आप स्ट्रेच एक्सरसाइज करोगे तो आपके जॉइंट्स का जो पानी रहता है अंदर का जो थोड़ा सा क्या बोलते हैं अपन बुखले जैसा हुआ है या थोड़ा सा वो ज्यादा फ्रोजन हुआ है, वो सारे पेशेंट मुझे बोलते हैं कि मैं एसी में सो जाती हूँ तो मुझे बहुत स्टिफनेस आती है, आप इसे कम कर लो. डायरेक्ट पैन के नीचे मत सो जाओ, दूसरी जगह थोड़ा सो जाओ, अच्छी तरह से कवर करो या हाथ में थोड़े से ग्लोव वगैरह डाल सकते हो. तो वन इज अ स्ट्रेच एक्सरसाइजेस. दूसरा एक्सरसाइज जैसे कि मैंने पर्पसली एक्सरसाइज करना है, जैसा मैंने जैसा नी जॉइंट एक्सरसाइज है. आजकल यूट्यूब में बहुत सारे अच्छे एक्सरसाइजेस आते हैं, आप यूट्यूब देख के पहले वो अंडरस्टैंड करो मैंने कैसा नी जॉइंट का वापर करना चाहिए. जैसे तुम नी जॉइंट 10-12 जैसा मैंने एल्बो जॉइंट का मैं दिखा सकती हूँ, अगर तुमने ऐसा एक्सरसाइज किया आपने को पता चलता है कि मैं पहले इतना कर सकती थी, सेकंड टाइम मैं इतना कर रही थी. इससे अपने जॉइंट के आजू बाजू के जो स्ट्रक्चर होते हैं वो अच्छी तरह से काम करने लगेंगे. तीसरा एक्सरसाइज की मसल स्ट्रेंथनिंग. मेरा जॉइंट अभी अच्छा हो रहा है लेकिन ये मसल ने काम करना भूल गई थी मेरी मसल, बिकॉज मैं मेरे कंफर्टेबल पोजिशन में जॉइंट को रखती थी क्योंकि मुझे दर्द नहीं चाहिए. आई मस्ट यूज द फुल रेंज ऑफ मूवमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और फिर वी कैन जस्ट टेक सम वेट्स एंड देन डू, इसका अपन बोलते हैं मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज. ये एक्सरसाइजेस अपने को करना बहुत जरूरी है. आर्थराइटिस की ट्रीटमेंट बहुत सारी मानसिकता के ऊपर होती है. लेडीज कभी एक्सरसाइज नहीं करती, हमारे टाइम के लेडीज कभी एक्सरसाइज नहीं करते हैं, लेकिन शरीर को तंदुरुस्त रखना है दवाइयों के साथ गुड अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट. मैं एक्सरसाइज करूंगी, मैं स्ट्रेचेस करूंगी, योगा करूंगी, चलना फिरना करूंगी. बहुत सारे हमारे पेशेंट जो रहते हैं बहुत सारे पेशेंट कंप्यूटर पे काम करते हैं, बहुत सारे लेडीज एंड जेंट्स, उनको मुझे इनफैक्ट मुझे बात बोलनी है कि आप आधे हमेशा एक घंटे के बाद में थोड़ा सा ब्रेक लेके थोड़ा सा इधर उधर घूमो, डू योर नेक एक्सरसाइजेस, डू योर शोल्डर एक्सरसाइजेस, डू योर रिस्ट एक्सरसाइजेस. एक्सरसाइज के बिना पेशेंट्स आप आर्थराइटिस नहीं रह सकते हैं. ऐसा पकड़ो कि दवाई के साथ सेकंड लाइन हम डालते हैं रेगुलर एक्सरसाइजेस, विजिट टू ए फिजियोथेरेपिस्ट. हम भले लिखते हैं पेपर पर कि लेडीज नहीं करती है, मुझे ऐसा लगता है कि लेडीज को जो किचन में काम करती है घर में होते हैं ये लेडीज ने जब दोपहर का टीवी देखते हो वो टाइम आपने एक्सरसाइज करना है, योगा करना है, नी जॉइंट के एक्सरसाइजेस करना है, क्योंकि दवाई के साथ इम्पोर्टेंट है एक्सरसाइजेस. अगर मैंने दवाई दी आपको जॉइंट का सूजन कम होगा लेकिन मैंने जॉइंट वापरना नहीं शुरू किया क्योंकि मुझे थोड़ा सा भी पेन नहीं चाहिए, इनफैक्ट एक्सरसाइज करने से तुम्हारा पेन अच्छा हो जाता है,
तुम्हारी स्टीरॉयड की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, तुम्हारे पेन किलर की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी और धीरे धीरे आपके दवाई के ऊपर के खर्चे भी कम हो जाएंगे। तो मैसेज है arthritis and exercise should go hand in hand. And again, I would add ki half an hour walking, at least half an hour or walking will be overall good for your joints and overall aapki heart disease or cholesterol वगैरह को भी check रखने में बहुत important है. इसलिए आधे घंटे का walking and जैसे मैम ने बताया individual joints की stretching and muscle building exercises very important. ये बहुत अच्छी जानकारी दी जो exercises की अहमियत समझाई है. इसके साथ साथ हमारे पास बहुत से और क्वेश्चंस आ रहे हैं. एक अगला सवाल डॉक्टर दीप्ति पटेल को है कि क्या ये बीमारी हेरिडिटरी या जेनेटिक है, मतलब अगर मुझे ये बीमारी है तो क्या मेरे बच्चों में भी ये बीमारी आ सकती है? वेरी गुड क्वेश्चन. ये अक्सर बिकॉज़ आई सेड फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिजीज जो है वो फीमेल्स में ज्यादा होती है एंड चाइल्ड बेरिंग एज में, यानी कि जब यू नो वो एक यंग एज में होती है. तो फर्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू मैरिज एंड देन चाइल्ड, क्या ये बीमारी पास ऑन हो सकती है? तो जैसे मैंने स्लाइड में बताया कि देयर इज अ जेनेटिक लिंक, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि पास ऑन होगा. तो जैसे एक प्रेग्नेंट वुमेन है और वो उसके बच्चे को डेफिनेटली 100% श्योर में ऐसा नहीं होगा कि ये बीमारी उसको पास ऑन हो जाएगी, लेकिन ये फैमिलीज में रन करता है. इसीलिए अगर आपको ऑटोइम्यून डिजीज है तो आपके फैमिली में वो डिजीज होने के चांसेस जनरल पॉपुलेशन से बढ़ जाती है. बट इट इज कोरिलेटेड टू एनी अदर डिजीज. जैसे हमारे फैमिली में डायबिटीज होता है, सो जैसे मेरे डैडी को डायबिटीज है तो ऑटोमेटिक मेरे भाई बहन के रिस्क ऑफ डायबिटीज हाई है. जैसे ब्लड प्रेशर भी है, तो आई थिंक द चांसेस आर ऑलमोस्ट इक्वल एज दैट. तो हमें इसको एकदम डिफरेंटली नहीं देखना चाहिए. थायराइड प्रॉब्लम्स, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, तो एग्जैक्टली आर्थराइटिस का भी फ्रीक्वेंसी इज ऑलमोस्ट सिमिलर. और एक बात मैं डालना चाहूंगी, ये डर के मारे बहुत सारे लेडी दे डोंट वांट टू मैरी, एंड इवन इफ दे आर मैरिड दे डोंट वांट टू प्रोड्यूस अ किड. दैट डस नॉट मीन दैट यू आर नॉट एलिजिबल फॉर मैरिज और इवन फॉर प्रोड्यूसिंग किड. क्योंकि हम इनके बच्चों को, इनके होने वाले लोगों को हम अच्छी तरह से उनको एग्जामिन करके उनकी जानकारी उनको दे सकते हैं. अगला सवाल इसी पे बेस्ड है. अपने उसका आंसर पार्टली दे ही दिया है कि क्या मैरिज पॉसिबल है और प्रेगनेंसी पॉसिबल है, और अगर प्रेगनेंसी के बाद अगर आर्थराइटिस डिटेक्ट होता है तो क्या ये दवाइयां प्रेगनेंसी के टाइम पे सेफ है? कमिंग टू द प्रेगनेंसी, अपने पास शादी एक क्या बोलते हैं, इट हैज टू बी देयर एंड आई एग्री ऑन दैट. अभी शादी सपोज एक 20 इयर्स की फीमेल को एट द एज ऑफ 20 उसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस हुआ है, पेरेंट्स को हमेशा डर लगता है कि मेरी बेटी का भी क्या होगा, उसको उसे पढ़ाई करना है, उसने जॉब करना है या उसकी शादी बना के उसको घर में भेजना है. मैं ऐसा बोलूँ कि जो भी पेशेंट बीमार है उसने पूरा उसकी पढ़ाई करना है, अपना शरीर तंदुरुस्त रखना है, एलोपैथी की ट्रीटमेंट देना है, और ये लड़कियों की शादी हो सकती है, उनको बच्चे भी हो सकते हैं. तो द पेशेंट हर सर and the parents have to be very positive towards getting the marriage done. लेकिन marriage के time में अगर हमें ज्यादा दवाई के नाम बोले नहीं है, लेकिन suppose 20 साल की लड़की को rheumatoid arthritis हो गया तो हम शुरू शुरू में patients को hydroxychloroquine, methotrexate, sulfasalazine plus minus थोड़ा सा steroid दे देते हैं. जैसे बीमारी control में आ जाती है तो मैं हमेशा parents को बोलती हूँ कि अभी बीमारी patient के control में है, तुम्हारी बेटी की पढ़ाई हो गई है, उसका भी जॉब ढूंढने का बोलो. और जैसे पेशेंट का जॉब ढूंढता है, जॉब मिल जाता है, हम देन इसका पेरेंट्स को बोलती है अभी इसका शादी करना. लेकिन शादी बनाने के टाइम हम हमेशा बोलते हैं कि तुमने यू शुड टेक द बॉय इनटू कॉन्फिडेंस. कभी कभी हम वो बच्चे को होने वाले अगर रिश्ता तय हो गया, तय होने जैसा है, तो मैं हमेशा वो उसके पार्टनर को बुला लूँ, उसको मैं पूरा उसकी जानकारी देती हूँ. क्योंकि कभी कभी क्या होता है, पेशेंट बोलते हैं अरे आपने तो बोला था शादी करने को, बोला हमने शादी कर दिया, लेकिन अभी उसका ये हो गया, उसका वो हो गया. लेकिन जानकारी, सही नॉलेज बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं, पेशेंट नॉर्मल लाइफ भी जी सकते हैं. मैं तो हमेशा ऐसा बोलती कि जो पेशेंट्स को बीमारी है उसकी बीमारी बराबर से कंट्रोल करके पेशेंट ने देन प्रेगनेंसी प्लान करना है. प्रेगनेंसी ये टाइम में प्लान करें जब उसकी दवाइयां बहुत कम है, हफ्ते में एक हदर लगता है, या हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जैसी जो गोली बोलते हैं हम लोग,
उसको खाली दो गोली की जरूरत है, मेथोट्रेक्सेट गोली का 7.5 मिलीग्राम डोज है, फिर हम बोलते हैं कि तुम्हारी बीमारी अभी कंट्रोल में आ रही है, हम पेशेंट का मेथोट्रेक्सेट कम करेंगे, कोलिट्राइड जैसे गोली के नाम बहुत सारे उसको हम कम करेंगे और देखेंगे कि पेशेंट एक गोली के साथ अच्छा कर रहा है या नहीं कर रहा है। देन फिर पेशेंट मेंटली तैयार हो जाता है, नो चलो अभी मेरी बीमारी कंट्रोल में आई है, देन शी विल प्लान हर प्रेगनेंसी। जैसे पेशेंट प्रेग्नेंट होता है तो हम पेशेंट को बोलते हैं जैसे तुम प्रेग्नेंट हो जाएगा तो हमें आके मिलो। लकीली एक इतनी अच्छी बात है कि प्रेगनेंसी में रूमेटॉइड आर्थराइटिस मेल्ट हो जाता है, यानी बीमारी बढ़ नहीं सकती है क्योंकि हार्मोनल का इफेक्ट प्रेगनेंसी के हार्मोन का, देयर इज अ वेरी गुड इफेक्ट ऑन द जॉइंट्स। लेकिन पेशेंट हमेशा भूल जाते हैं कि अरे मेरी डिलीवरी हो गई तो मैं दवाई लेना है कि नहीं लेना है, मैंने बच्चे को दूध पिलाना है कि नहीं पिलाना है, दूध भी पिलाना है क्योंकि ये गोलियां दूध के अंदर नहीं जाती है, बच्चे को कुछ असर नहीं पड़ेगा। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर किसी पेशेंट का थोड़ा बीमारी बढ़ जाए तो हम हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के साथ सैलाजोपैरिन बोल के दवाई डालते हैं और पेशेंट को उसका जानकारी देते हैं। हम हमेशा पेशेंट्स को बोलते हैं जब भी आप लेबर में जाओगे या डिलीवरी हो जाएगी, आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लेके घर जा रहे हैं, वो टाइम वो डॉक्टर को बता देना कि मुझे आर्थराइटिस था या मैं दवाई लेती थी, अब ये दवाई का मैं क्या करूँ। अगर वो हॉस्पिटल में कोई रूमेटोलॉजिस्ट है तो आपको बराबर से एडवाइस कर देगा। दूसरी चीज जैसे अपने पास डिलीवरी के बाद में बहुत अच्छी चीज खिलाई जाती है लेडीज को, चीजें अच्छी तरह बराबर है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसके साथ ज्यादा वजन नहीं बढ़ाना है, तो जितना शरीर में फैट है दैट आल्सो विल अगेन इंड्यूस आर्थराइटिस। विदिन 6 weeks टू 3 months फॉलोइंग डिलीवरी, डिलीवरी के बाद में 6 weeks के बाद में 3 months के बाद में कभी कभी रूमेटॉइड आर्थराइटिस ऊपर आएगा। वो टाइम आप घर में मत बैठो, वो टाइम अपने मन से स्टेरॉइड मत खा लो, वो टाइम अपने मन से तुम पेन किलर मत खाओ, अरे मुझे दूध पिलाना है तो मुझे अभी दवाई नहीं चाहिए, मैं अभी आयुर्वेदा ले लूंगी या होम्योपैथी ले लूंगी, ये गलतियां बिल्कुल नहीं करना है। ये मेरा एडवाइस रहेगा रिगार्डिंग मैरिज, प्रेगनेंसी, डिलीवरी एंड ब्रेस्ट फीडिंग। सो इन शॉर्ट आई थिंक द मैसेज इज दैट रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बीमारी के साथ या फिर ऑटोइम्यून डिजीज के साथ यू कैन लिव अ कंप्लीटली नॉर्मल लाइफ, वो आपके आड़े नहीं आना चाहिए एट ईच स्टेज ऑफ लाइफ टू प्रोग्रेस। That is the summary. A few more questions we have, and one of them is asked by Nikhil, क्या हम इसमें खट्टा खाना या खटाई खाने पे कोई परहेज है, या ठंडी की सीजन में ये बीमारी ज्यादा होती है, तो उनको इस बारे में थोड़ी जानकारी चाहिए। अरे यस, ये खट्टा ना खाना, दही छोड़ देना, ये सब बहुत ही, as I said, common चीजें होती है जो patients खुद से ही कर लेते हैं। आई थिंक इंडिविजुअल ने जैसे ऐसे कि साइंटिफिकली हम कुछ अवॉइड नहीं करने को बोलते हैं, इनफैक्ट दूध दही छाछ उसमें हाई लेवल ऑफ कैल्शियम होती है जो आपके बोन्स के लिए बहुत अच्छा होता है। जो चीज खट्टी होती है जैसे टमेटोज होते हैं, लेमन्स होते हैं, लींबू आमला, उसमें विटामिन सी की मात्रा ज्यादा होती है, विटामिन सी इज गुड फॉर द जॉइंट्स। इसलिए अक्सर जैसे मैंने बोला कि ये सब जब हम छोड़ देते हैं तो हम उसके साथ बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन वैल्यू भी उसकी लूज कर देते हैं जो आगे जाके आपके शरीर के लिए हानिकारक हो सकती है। इसीलिए हम एडवाइस करते हैं कि सभी चीजें प्रपोर्शन में अपनी मात्रा में लिए जाए तो वो हानिकारक नहीं होती है। और दूसरी चीज आती है कि अगर आपको पर्टिकुलर फूड से आपने देखा कि स्पेसिफिकली ये खाने से मुझे ये होता है तो एक एक्सपेरिमेंट करना है, सारी चीजें छोड़ एक साथ नहीं देनी है। आप एक चीज को पहले हफ्ते में ट्राई करें, अगर फिर उसको छोड़ के देखें दूसरे हफ्ते में कि ठीक हो गया, तीसरे हफ्ते में वापस ट्राई करें। अगर एक ही चीज से आपको ऐसा लगता है, बिकॉज इंडिविजुअल्स कैन हैव सम फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल एलर्जीज और इंडिविजुअल टाइप ऑफ रिएक्शन टू सर्टेन फूड टाइप्स, तो सब कुछ ब्लैंकेट नहीं छोड़ देना है, एक एक चीज को यूज करो, इस्तेमाल करो, अगर वो आपके लिए सूटेबल नहीं है तो ही उसको बंद करें। बट जनरली ऐसे ही जॉइंट पेन्स हुआ और सब चीज बंद गई, आई डोंट थिंक दैट इज द राइट अप्रोच। एंड ठंडी की सीजन में येस, आई थिंक द विंटर मंथ्स पर्टिकुलरली नॉर्थ में बहुत हार्श होते हैं एंड ठंडी की सीजन में आपको जॉइंट्स और भी स्टिफ हो सकते हैं, इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जैसे मैम ने बोला एसी एंड फैन ये सब जो है वो आप अपने तरह से इंडिविजुअल एडजस्टमेंट करें, कीप वार्म। एंड आपका जो डिजीज है ना अगर कंट्रोल पहले से अच्छा है तो इवन विंटर मंथ्स एंड ऑल दैट शुड नॉट अफेक्ट यू सो मच। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि थ्रू आउट द ईयर आपकी आर्थराइटिस की फॉलोअप सही रहे, ट्रीटमेंट सही रहे एंड डिजीज शुड बी इन रेमिशन
रेमिशन एक नाम है जिसको हम बोलते हैं कि आपकी डिजीज कंट्रोल में आ चुकी है, इन्फ्लेमेशन एकदम कम है ऑन मेडिसिन। तो मेडिसिन चालू रखना है, डोज एडजस्टमेंट आपके रूमेटोलॉजिस्ट करेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे ब्लड टेस्ट की आपको ये डोज लिवर किडनी के साथ सूट हो रहा है रेगुलर फॉलोअप पे। तो वो कंट्रोल रहने से आपको विंटर मंथ्स या अप एंड डाउन में इतनी परेशानी नहीं होनी चाहिए। मेडिसिन के बारे में बात करते हुए हमारे पास एक और श्रोता का सवाल है कि नई नई दवाइयाँ काफी सुनने मिलती है, इंटरनेट पे देखने मिलती है, तो व्हाट आर दीज मेडिसिन एंड व्हाई आर दे वेरी कॉस्टली? या जो जैसे वो ट्रीटमेंट का स्लाइड जब प्रेजेंट किया था, दैट वाज अ चार्ट शोइंग द इवोल्यूशन ऑफ द ट्रीटमेंट। जैसे एस्पिरिन से दवाई बढ़कर आजकल बायोलॉजिकल पर आई है। हम हमेशा वर्ड इंफ्लेमेशन बोलते हैं, ऑटोइम्यून बोलते हैं, इसमें क्या कि मेरी प्रतिकार शक्ति कम हो गई है। जैसे मैंने एग्जाम्पल ये जो नया ड्रग को बोलते हैं दे वर्क लाइक मिसाइल्स, वो जल्दी काम करते हैं, जहाँ चाहे वहीं वो काम करेंगे। लेकिन जब भी अपन एक्यूट बीमारी को ये सब दवाई देंगे तो अपने को बहुत सारी दूसरी चीजों का भी ख्याल करना पड़ता है। बायोलॉजिकल एजेंट जो है अपने शरीर में टीएनएफ अल्फा बोल के एक पदार्थ होता है, एक सिक्रीशन होता है, जो आर्थराइटिस के पेशेंट्स होते हैं, इन सब पेशेंट्स में टीएनएफ अल्फा का लेवल बहुत बढ़ा होता है और वो अपने इम्यून सिस्टम को खराब करेगा। मेरे शरीर में भी टीएनएफ अल्फा है लेकिन वो मुझे इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है और ये ज्यादा नहीं है करके मुझे आर्थराइटिस नहीं है। आपके शरीर में ज्यादा है, आर्थराइटिस के पेशेंट शरीर में ज्यादा है करके उसको आर्थराइटिस की बीमारी ज्यादा आती है। अभी जो दवाइयां एंटी टीएनएफ अल्फा के अगेंस्ट काम करती है उसको हम एंटी टीएनएफ अल्फा एजेंट्स बोलते हैं, एंड दीज एजेंट्स दे वर्क लाइक ए मिसाइल, राइट। कुछ नाम मैं खाली बोल दूंगी जिसको हम रेमिकेड बोलते हैं, एनब्रेल बोलते हैं, ये ओरिजिनल ड्रग्स है। ये ओरिजिनल ड्रग्स बहुत कॉस्टली होते हैं, तो अभी आजकल बायोसिमिलर आ रहे हैं। बायोसिमिलर का मतलब वो पहले ओरिजिनल ड्रग जैसा ही है लेकिन थोड़ा सा फर्क है, लेकिन एफिकेसी वाइज, इफेक्टिवनेस वाइज, आर्थराइटिस कम करने की चीजों में दोनों दवाइयां सही के हैं। ये दवाइयां हमेशा अपने इंडिया में बन जाती है क्योंकि ये दवाइयां चीप है और इसलिए सब दवाइयां भी कॉमन मैन ऑल्सो कैन अफोर्ड टू टेक द मेडिसिन। हम ये दवाइयां कौन से पेशेंट्स को देंगे? हर को उठा के दवाई नहीं दे सकते हैं। अगर मेरे पास एक लड़का है जिसको आईआईटी में पढ़ रहा है और उसको अचानक से उसको संधिवात आ गया, अभी पेरेंट्स सब परेशानी में आते हैं, तो हम पेशेंट्स को बोलते हैं कि तुम मेक सम मनी अवेलेबल, राइट, एंड ये उसको ये दवाई दे दो। तो जो पेशेंट्स यंग है, जिनके पास करियर है, जिनका एग्जाम जाने वाला है और उसका शायद वो कोर्स भी, बहुत सारे बच्चे कोर्स छोड़कर घर में आते हैं, अभी वो दिन नहीं रहे हैं क्योंकि कौन से भी आर्थराइटिस की बीमारी में बहुत दर्द होता है जो हम मेजर नहीं कर सकते। पेन आपको कितना हो रहा है हम मेजर नहीं कर सकते हैं, हमें खाली स्केल पे बोलते हैं, देखो 1 to 10 है, आपको 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, वो सब ठीक है, लेकिन उसको जो परेशानी हो वो मैं खुद नहीं परस्यू कर सकती हूँ। तो ये पेशेंट, और जो पेशेंट्स को मेथोट्रेक्सेट नहीं चलता है, पेशेंट्स वॉमिट करते हैं या उसके ब्लड के ऊपर उसके परिणाम आ रहे हैं, लिवर के ऊपर उसके परिणाम आ रहे हैं, इन पेशेंट्स को हम बायोलॉजिकल एजेंट्स बोलते हैं। अभी इंडिया में कम से कम 24 बायोलॉजिकल एजेंट्स है जो अलग अलग बीमारियों के लिए दिए जाते हैं। ये दवाइयां बहुत जल्दी काम करती है। एक मेरे पास मेडिकल स्टूडेंट था जिसको सेकेंड एमबीबीएस में उसको आर्थराइटिस हो गया, उसको क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था और क्रिकेट मैच होने वाली थी, मैंने एक हफ्ता पहले उसको रेमिकेड नाम का दवाई दिया, वो क्रिकेट खेल पाया। इसका मतलब ये दवाइयां बहुत जल्दी काम करती है। घर में मेरी बेटी की शादी है और मुझे कुछ प्रॉब्लम आ रहा था, वी जस्ट लाइक बायोलॉजिकल मैन मेक माय सेल्फ फिट टू अटेंड दैट फंक्शन, और ये इमरजेंसी और टू द पॉइंट टू द साइटोकाइन लेवल, ये सब दवाइयां काम करती है। कौन से भी नई दवाई, जैसे अपन मिसाइल डाल दिया, मिसाइल दूसरी जगह गया तो वहां पे वो नुकसान करेगा, इट हैज नॉट रीच द टारगेट। ये सब जो दवाई है टारगेट पे काम करती है। टारगेट का और एक सिंपल उदाहरण मैं दे दूंगी, जो पेशेंट्स को अस्थमा था वो बहुत सारी दवाइयां खाते थे, आजकल वो स्प्रे मारते हैं तो दवाई डायरेक्ट लंग में जाकर उसका अस्थमा क्योर हो जाता है। इसी तरह हमारे ये बायोलॉजिकल एजेंट्स मिसाइल जैसा काम करके बीमारी को काबू में लाती है। ये दवाइयों का मेन साइड इफेक्ट इन्फेक्शन होता है, तो इन्फेक्शन शरीर में है कि नहीं हम पहले देखते हैं।
जैसे हेपेटाइटिस बी टेस्ट करते हैं, हेपेटाइटिस सी करते हैं, टीबी क्वांटिकरण, टीबी गोल्ड करते हैं, मैंटूस टेस्ट करते हैं, एक्सरे कर लेते हैं। ये करना क्यों जरूरी है कि अपने पास ये सब बीमारियां बहुत कॉमन है सोसाइटी में, ये सब जांच होने के, ये सब जांच होने के बाद में हम देखेंगे कि पेशेंट फिट है, फिर हम पेशेंट्स को दवाई देते हैं। हम इनिशियल 3 मंथ्स के लिए दवाई लिखते हैं, बहुत सारी ये जो बायोलॉजिकल एजेंट जिसको बोलते हैं, उससे हमें पता चलता है कि कौन सा पेशेंट, ये पेशेंट बराबर ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड कर रहा है। ये दवाइयाँ कॉस्टली है तो हमें बार बार सोचना पड़ता है ये दवाई काम करेगी, कैसे काम करेगी, बराबर इफेक्टिवली काम कर रही है कि नहीं कर रही है। हर 3 मंथ्स को हम, हर 6 वीक्स हम पेशेंट को इवेल्युएट करके उसको आगे का प्रिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। तो इन्फेक्शन छोड़कर इन माय क्लिनिकल प्रैक्टिस मुझे एक ही पेशेंट टीबी का मिला है, मे बी सेम एक्सपीरियंस विद दीप्ति आल्सो। ये बीमारी जितने अपन जल्दी यूज करें, मुझे 1 साल का बीमारी है, मैंने 6 महीने तक दवाई ली है, मेरा नी ज्वाइंट अभी भी स्वोलन है, ये पेशेंट को हम बायोलॉजिकल देंगे और उसका नी ज्वाइंट की बीमारी खत्म करेंगे। इसका मतलब इनिशियल स्टेज में एज अर्ली एज पॉसिबल, सो दैट अपने को मेरे हाथ, जैसे दीप्ति ने बताया कि वो पेशेंट्स के हाथ बहुत खराब हुए थे, या कुछ पेशेंट्स के लंग में बीमारी जाएगी, जितना लंबे समय तक का बीमारी रहेगा वैसे उसके कॉन्सिक्वेंसेस रहे, ये सब कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होने के लिए। और मे बी कभी कभी एक टाइम अभी आया है कि हम, हमारे पास अभी जैक इनहिबिटर्स बोल की दवाइयां हैं जो भी हम बायोलॉजिक के अलावा भी दे सकते हैं, इससे बीमारी एकदम रैपिडली कंट्रोल में आ जाती है। नाउडेज हम ऐसा सोचते हैं कि कदाचित बहुत सारे पेशेंट्स को दवाई के बिना भी पेशेंट अपना लाइफ जी सकते हैं, लेकिन ये पेशेंट्स को ये जजमेंट हर डॉक्टर इंडिविजुअल पेशेंट के ऊपर करेगा। ये ट्रीटमेंट्स को पेशेंट टेलर मेड थेरेपी बोलते हैं। जो मैंने पेशेंट ए पेशेंट को ट्रीटमेंट दी, उस सेम पेशेंट को बायोलॉजिकल में बी पेशेंट्स को नहीं देखती दे सकती हूँ, क्योंकि उसकी बीमारी अलग है, उसका एज अलग है, उसके अदर कॉम्प्लिकेशन है, उसको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, पहले टीबी हुआ था और कुछ हुआ था, वो दारू पीता है, उसके लिवर खराब है, या किसी को हार्ट की बीमारी है, हार्ट का फेलियर है, तो ये सब चीजें, सभी चीजें ध्यान में देकर हम बायोलॉजिकल मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। Madam, there's another question to Dr. Patel, which is asked by Mr. Shahukar. He wants to know whether biological is the most effective way to cure psoriatic arthritis. I think इसका जो है ये सवाल का एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं हो सकता। जैसे एक पेशेंट दूसरे पेशेंट से बहुत डिफर करता है, अगर आपको भी psoriatic arthritis है और दूसरे पेशेंट, so no two patients are similar in our practice. इसलिए हमेशा जो है ना ट्रीटमेंट टेलर मेड होनी चाहिए, क्योंकि द होल स्पेक्ट्रम कैन वेरी फ्रॉम माइल्ड डिजीज, मॉडरेट डिजीज टू सिवियर डिजीज। अब ये तीनों का जो है वो हमारे पास क्लिनिकली हम काफी जानकारी ले सकते हैं फ्रॉम द सिम्टम्स, एग्जामिनेशन एंड ब्लड टेस्ट है, तो हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि पेशेंट को माइल्ड डिजीज है, मॉडरेट डिजीज है या सिवियर डिजीज है, तो उस हिसाब से हम उनको ट्रीटमेंट देते हैं। जैसे माइल्ड और मॉडरेट डिजीज को कुछ ओरल जैसे डिजीज मॉडिफाइंग ड्रग से ही उनका कंट्रोल आ जाता है, उनकी डोजेस बढ़ाने से एक कंट्रोल आ जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सिवियर डिजीज होता है, यानी कि अगर हम पहले 6 महीने इस्तेमाल कर गए हैं सारी ओरल ट्रीटमेंट, सारी जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है वो इस्तेमाल कर चुके हैं, उसके बावजूद उनकी डिजीज सिवियर है, तो उनको होप्स नहीं लूज करने चाहिए, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत सारी मॉडर्न ट्रीटमेंट है जो सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट यानी कि सिवियर डिजीज के लिए बहुत अच्छे से और इफेक्टिवली काम कर सकते हैं, और उसमें भी बहुत सारी वैरायटी है। इसलिए जैसे मैम ने बोला, हम एक स्टार्ट करते हैं, 3 मंथ्स के बाद अगर रिस्पॉन्स अच्छा आता है, जो ऑलमोस्ट 80-90%, आई थिंक मोर देन 90% ऑफ पेशेंट्स में इफेक्टिव रहता है, तो एज वी गो अलॉन्ग एंड ट्रीट इट, वी नो दैट दिस ड्रग इज वर्किंग वेल, तो हम उसको कंटिन्यू करते हैं। सो आई थिंक वी आर एट अ वेरी गुड पोजिशन इन रूमेटोलॉजी राइट नाउ, जहाँ पे हम पेशेंट्स को बोलते हैं कि यू नो अर्ली डिटेक्शन, अर्ली ट्रीटमेंट, डोंट लूज होप, वी आर एमिंग टुवर्ड्स नाउ रीचिंग अ स्टेज कि हम आपकी डिजीज इतने अच्छे से कंट्रोल करें फर्स्ट 2-3 ईयर्स में, कि आप ऐसे स्टेज पे आए कि आपको जितनी कम हो सके उतनी दवाइयां लेनी पड़े। बट आई थिंक दैट रिक्वायर्स अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन द रूमेटोलॉजिस्ट एंड द पेशेंट एंड द जर्नी इज टुगेदर। There's a related question on are biologicals available only as injections or even in as tablets or capsules? अभी तक जो थे, बिकॉज दिस बायोलॉजिक्स आर पावरफुल, जैसे मैम ने उनको डिस्क्राइब किया क्लियरली कि मिसाइल्स जैसे, सो दे वर लाइक लार्ज मॉलिक्यूल्स,
तो वो इंजेक्शन फॉर्म में अवेलेबल होते थे, जैसे डायबिटिक्स नहीं क्या वो सबक्यूटेनियस इंजेक्शन लेते, तो कुछ इंजेक्शन ऐसे होते हैं जो घर पे भी दिए जाते हैं वो सुई, कुछ इंजेक्शन ऐसे होते हैं जो सलाइन में ड्रिप के माध्यम से दिए जाते हैं। और अभी अभी जो है सबसे लेटेस्ट, ये सारी जो ट्रीटमेंट बायोलॉजिक्स की सिर्फ इंजेक्शन फॉर्म में होती थी वो अभी ओरल टैबलेट के फॉर्म में भी अवेलेबल है। यानी कि हम ये इंजेक्शन पहले अगर पेशेंट अब्रॉड जाता हो या फिर आउट ऑफ इंडिया है तो वो इंजेक्शन कैरी करने के लिए वो बर्फ में लेके जाते थे, यू नो पासिंग थ्रू द कस्टम्स एंड ऑल दैट। बट नाउ इट्स वेरी इजी, इफ यू नीड बायोलॉजिक्स देन दे कैन कम इन ओरल फॉर्म, सो इट इज जस्ट टैबलेट लाइक अ सिंपल बॉटल और अ कार्टन दैट यू कैन कैरी विद यू एनीवेयर। सो आई थिंक या द रिसर्च एंड द प्रोग्रेस इज ट्रिमेंडस इन द लास्ट 10 years इन द फील्ड ऑफ रूमेटोलॉजी, इसलिए हम एक बहुत अच्छे पोजिशन में है टू ट्रीट आर पेशेंट्स ऑफ ऑल सीवियरिटीज एट दिस स्टेज। लता मैडम आपके लिए एक क्वेश्चन है, इफ ऑल जॉइंट्स आर डिफॉर्म्ड स्टिल शुड द पेशेंट गो अहेड एंड टेक ट्रीटमेंट्स? या वन थिंग इज इट द आर्थराइटिस की बीमारी है, लंबे समय की बीमारी है। इफ आई से इन वन वर्ड व्हिच माइट डिप्रेस ऑल ऑफ यू और इवन मे बी डिप्रेसिंग फॉर अस, आर्थराइटिस इज नॉट अ क्यूरेबल डिजीज, राइट? पेशेंट पूछते हैं मेरी जड़ से बीमारी जाएगी क्या, मेरा आंसर रहता है इवन दिक्कत का आंसर रहेगा नहीं जाएगी, क्योंकि यू आर प्रोड्यूसिंग, आप अपने शरीर में तुम्हारे ज्वाइंट के अगेंस्ट एंटीबॉडीज तैयार कर रहे हैं जिसमें रूमेटॉइड फैक्टर है, किसी से भी पूछते हैं ज्वाइंट में सूजन आता है। लेकिन हमारा एक सवाल रहता है कि हर पेशेंट, एवरी पेशेंट शुड रिसीव मेडिसिन, राइट? बिकॉज आर्थराइटिस इज ट्रीटेबल एट एनी स्टेज, एनी ग्रेड एंड एट एनी एज। जैसा अभी मेरे पास एक सूरत से बच्चा आया था जिसको मसल डिजीज बोला गया था क्योंकि पेशेंट जमीन से उठ नहीं पाता था, किसी के समझ में ये नहीं आया कि पेशेंट का हिप ज्वाइंट गया है या उसका कमर का ज्वाइंट गया है, इसके कारण वो बच्चा पेन के कारण नहीं उठ रहा था और उसको लेबल किया गया था कि आपको मसल का बीमारी है। तो प्रॉपर डायग्नोसिस, प्रॉपर चॉइस ऑफ रूमेटोलॉजिस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये ट्रीटमेंट हम सभी पेशेंट्स को देते हैं। लेट मी टेल यू, जब when there was not lot of awareness of arthritis, बहुत सारे patients Kokan, मध्य प्रदेश, अभी तो बहुत सारे rheumatologists all over India हो गए हैं। हम बॉम्बे में एक समय में खाली 7 ही डॉक्टर थे, now we are more than 40 doctors। इसका मतलब awareness बढ़ रहा है, patients को समझ रहा है कि rheumatologist के पास जाना है। तो जब हम मेरे टाइम में 90 और मेरे समय 1980 to 1990 जब मैंने arthritis के बारे में ट्रेनिंग लेने का सोचा था, मेरे पास बहुत सारे पेशेंट जो गरीब थे वो फोटो भेजते थे बाय पोस्ट, मैडम मैं बिस्तर पे 10 साल से हूँ, ये 10 साल से मेरा इन्हीं जॉइंट ऐसे ही पकड़ा है, तो मुझे वो फोटोग्राफ को देखकर मैं पेशेंट्स को ट्रीट किया है। क्योंकि जब हम वेरियस स्टेजेस ऑफ डिजीज देखते हैं, जैसा आज मेरी ये उंगली पकड़ गई, ओके 7-8 दिन के बाद मैं इधर पकड़ गई, जो बीमारी बायलैटरल है दोनों हाथ में है, छोटे ज्वाइंट्स में है, रिस्ट ज्वाइंट में है, एल्बोज में है, यहाँ है, सिस्टमिक सिम्टम्स है, मुझे भूख नहीं लग रही है, इसको हम आर्थराइटिस बोलते हैं। लेकिन ये सब ट्रीटमेंट करने का मतलब ये है कि, और बहुत सारे पेशेंट जब वो चलने लगे तो मुझे आके कई में मिले हैं, मैडम ये मैंने आपको फोटो भेजा था और मैं अच्छा हो गया हूँ। लेकिन इम्पोर्टेंट है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो पेशेंट्स को बीमारी है और जिसको वो सही दवाई देना है, और खास करके लेडीज को, मैंने बहुत कम साइड इफेक्ट देखे हैं ड्रग्स लाइक मेथोट्रेक्सेट, लिफ्लुनामाइड। मुझे ऐसा लगता है कि जहां वो दवाई मिलना चाहिए अगर वो मिल गई तो बीमारी कम होती है, जड़ से नहीं निकल जाती है। मैं भले बायोलॉजिकल दे दूं जो कि 1-2 लाख के अंदर ट्रीटमेंट हो जाएगा, लेकिन मैं पेशेंट को बोलती हूँ इसका मतलब ऐसा नहीं है कि तुम्हारी बीमारी जड़ से हट गई है। हम बीमारी का प्रमाण कर सकते हैं या उसको आगे आने वाली बीमारी जिसको हम रेमिटिंग एंड रिलैप्सिंग डिजीज बोलते हैं, बीमारी कम होगी फिर बढ़ेगी, कम होगी फिर बढ़ेगी, तो ये कम बढ़ने का जो पीरियड है इम्पोर्टेंट, वो टाइम हम पेशेंट्स को इन्वेस्टिगेशंस के ऊपर उसको बता सकते हैं कि तुम्हारी बीमारी शायद अभी आएगा, फिर से दवाई शुरू कर दो। तो डोंट गेट डिसहार्टन, ये जर्नी बहुत लंबी है और बीमारी के साथ अपने को रहना है। जैसे डायबिटीज के पेशेंट, आखिर तक उनके साथ डायबिटीज होता है, वो दवाई देते हैं, तो हमारे पेशेंट्स ने क्यों नहीं दवाई लेना है। हार्ट का पेशेंट एंजियोप्लास्टी करता है या उसको ओपन हार्ट सर्जरी हो जाएगा, तो हमारे पेशेंट्स ने बायोलॉजिकल एजेंट्स क्यों नहीं लेना है, क्योंकि ये सब दवाइयों से हम डिजीज का बर्डन
अगर मेरे शरीर में आगे अगर मेरी खाली 10 उंगलियां खराब है, 5 और 5, तो मुझे मेरे पैर नहीं खराब करना है, मेरे शोल्डर्स नहीं खराब करना है, जो हम प्रिवेंट कर सकते हैं विद प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स एंड विद बायोलॉजिकल एजेंट्स एंड नाउ विद डेज, जैसा उसने बोला ओरल ड्रग, उसका हम जैक इनहिबिटर्स बोलते हैं। थैंक यू मैम। One more question which has come in is regarding mental health. How important is patient psychology while treating with medical treatment? Very important. Would you put up the slide of COVID and AIDS? So, ये बहुत ही important चीज है, जैसे हमने बोला कि chronic diseases, यानी जो लंबे समय तक diseases चलते हैं, उसके साथ not only it's the physical aspect but mental aspect is a very very big part of it. कई बार लोगों को ये जर्नी बहुत ही लोनली लगती है, ऐसा लगता है कि हम अकेले हैं इसमें, हमारे साथ हम ही को क्यों ऐसा हुआ, इतना सारा प्रॉब्लम्स है, एंड ऐसा हो जाता है कि ये सोशल स्टिग्मा भी हो जाता है कि इसको तो ये बीमारी है, यंग एज में ही इसके जॉइंट्स खराब हो गए, ऐसा कैसा हो गया। तो आई थिंक बेसिकली दिस इज द एफर्ट ऑफ मिशन आर्थराइटिस इंडिया कि हम साथ में आके एक पेशेंट सपोर्ट ग्रुप क्रिएट कर सके, जहाँ जो पेशेंट्स हमारे साथ डॉक्टर्स और नर्सेस के साथ इतना खुल के बात नहीं करते या फिर हम उनकी प्रॉब्लम्स इतनी नहीं समझ पाते हैं, पूरा वक्त नहीं दे पाते हैं, तो पेशेंट से पेशेंट्स का जब दर्द समझे, उनकी स्टोरी शेयर करे, तो ये जर्नी जो है वो बहुत आसान हो जाती है। एंड इट्स द राइट इंफॉर्मेशन, सीक द राइट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द राइट पर्सन, एंड इसी अवेयरनेस के द्वारा आज आप पेशेंट नहीं हो लेकिन फिर भी आपने जो अवेयरनेस लिया है, तो आई वुड डेफिनेटली रिक्वेस्ट कि आपके पास, आपके आजू बाजू में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप ये मैसेज को फैलाए कि जॉइंट पेन को इग्नोर ना करें। अगर आपको जॉइंट पेन्स है, वो 3S फैक्टर है, तो एक क्वालिफाइड पर्सनल डॉक्टर से यू शुड गो एंड कंसल्ट, एंड वो बीमारी क्या है, उसके बारे में क्या हो सकता है, क्योंकि ट्रीटमेंट इतनी एडवांस हो चुकी है, तो उसका गौर करें। एंड आई थिंक वी शुड सपोर्ट दीज पेशेंट्स, उनके लिए जर्नी जो है फैमिली फैमिली से लेकर, उनके रिलेटिव से लेकर, उनके आजू बाजू वाले के साथ लेकर, आई थिंक वी हैव टू गेट वेरी वेरी सपोर्टिव विद दिस पेशेंट्स, उनके ऑफिस वालों ने समझना चाहिए कि उनको है, तो एज आई सेड दे कैन लीड अ कंप्लीटली नॉर्मल लाइफ, बट एट द सेम टाइम दे मे नीड सम थिंग्स एंड सम एडजस्टमेंट्स एट वर्क प्लेस, यू नो, टेकिंग टाइम ऑफ व्हेन दे हैव फ्लेयर अप्स एंड रियली पेनफुल जॉइंट्स, गोइंग टू द डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट, गोइंग फॉर विजिट्स एंड कंसल्ट, तो उसमें आप जितनी मदद कर सके इन पेशेंट्स की, आई थिंक दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज वी वुड लाइक टू डू। कोविड रिलेटेड ही एक सवाल आगे भी है, व्हेन द वैक्सीन कम्स ऑफ कोविड, आर आर्थराइटिस पेशेंट्स एलिजिबल टू टेक दिस वैक्सीन? अभी देखो कोविड ये जो पैंडेमिक चल रहा था, कोविड जैसे आ गया तो बहुत सारे पेशेंट्स अपने घर में रह गए, बहुत सारे पेशेंट्स ने 3-4-5 महीने सेम दवाई चालू रखी, आई वुड लाइक टू पैट ऑन देयर बैक, बिकॉज दिस हमारे पेशेंट्स ने मे बी हम बहुत सारे डॉक्टर्स पेशेंट्स को बहुत सारा अच्छी तरह से एडवाइस कर लेते हैं, हमें एम्फसाइज करते कि दवाई मत बंद कर दीजिए, बहुत सारे जो जो पेशेंट्स ने अपनी अपनी दवाई कंटिन्यू की है, अपने मन से स्टेरॉइड नहीं बढ़ाया है, अपने मन से मेथोट्रेक्सेट का डोज कम नहीं किया है, एलिफ्लोनामाइड का डोज नहीं कम कर दिया है, ऐसे सब पेशेंट्स की लाइफ बहुत अच्छी चली है। कोविड ऐसे पेशेंट्स को आएगा जिसकी बीमारी एक्टिव है, मैंने सब दवाई बंद कर दिया, अभी तो मैं घर पर ही हूँ तो क्यों करना है, मुझे डर लग रहा है मुझे कोविड हो जाएगा, लेकिन आप ये समझ लो जब हम मेथोट्रेक्सेट देते हैं, एलिफ्लोनामाइड देते हैं या थोड़ा स्टेरॉइड देते हैं, तो इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ा देते हैं जिससे आपको कोविड नहीं हो जाएगा, लेकिन जिन पेशेंट्स को कोविड हो गया वो पेशेंट्स भी अच्छे होकर घर में चले गए हैं, दैट इज वन थिंग, राइट। जो भी पेशेंट्स के डेथ हुए ऑल ओवर द ग्लोब, मैं इंडिया की नहीं बात कर रही हूँ, बॉम्बे की नहीं बात, ऑल ओवर जो भी ग्लोब के जितने पेशेंट मर चुके हैं, दैट नंबर इज वेरी स्मॉल व्हेन वी टेक दिस ग्लोब एज अ यूनिवर्स। तो वो पेशेंट्स को खराब बीमारियां थी जिसको हम वैस्कुलाइटिस बोलते हैं, जो हम आज डिस्कस नहीं कर रहे हैं। दूसरी चीज, मुझे ऐसा लगता है कि कोविड और कोविड की दवाई और हमारे आर्थराइटिस की दवाई ये कॉमन है, उसका नाम हम एचसीक्यूएस है, उसके बहुत सारे नाम है, लेकिन उसके जो सॉल्ट है वो सॉल्ट का नाम है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। जैसे हम हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के बारे में शुरू, मुझे बहुत सारे पेशेंट्स के फोन आने लगे, मैडम ये तो बहुत खतरी दवाई है और आपने हमें तो इतने साल दी है। कोई भी डॉक्टर दुनिया में ऑन दिस अर्थ आई कैन से, कोई भी डॉक्टर पेशेंट का नुकसान करे ऐसी कभी भी दवाई नहीं देता है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की दवाई हो या डाइक्लोफिनेक जैसा ओवरन जैसा कोई भी पेन किलर हो,
ये दवाइयाँ इंडिया में लाई जाती है उसके पहले ये सब दवाइयों का क्लिनिकल ट्रायल हो जाता है जब उसकी सेफ्टी समझ जाती है, डोज गिना जाता है, उसके बाद में सब दवाइयाँ मार्केट में लाई जाती है। तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन जो भी पेशेंट ले रहे हैं वो आप कंटिन्यू करो, क्योंकि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन टॉक्सिसिटी वो पेशेंट्स में हो गई जिसको डायबिटीज था, अबाउ 65 था, ब्लड प्रेशर था, एंजियोप्लास्टी हुई थी, स्मोकर्स थे, उनके लंग्स खराब थे, ये पेशेंट्स में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन का थोड़ा सा असर हुआ है। लेकिन हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवाई हम कम से कम मोर देन 50 ईयर्स हम सब लोग यूज कर रहे हैं। मैं रूमेटोलॉजी प्रैक्टिस में कम से कम 1990 से हूँ, मेरे हाथ से एक भी पेशेंट को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन का साइड इफेक्ट नहीं हुआ है। आई वुड लाइक टू अंडरलाइन द वर्ड, जिसको जो दवाई चाहिए है वो सही टाइम पे, सही वक्त पे, सही स्टेज पे, सही मात्रा में मिले तो कुछ नहीं होता है। कमिंग टू वैक्सीन, हमारे पेशेंट्स को जब हम रूमेटोलॉजी प्रैक्टिस में वैक्सीन देते हैं, कौन से पेशेंट्स को देते हैं? अगर मुझे 40 ईयर्स की रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट मिले लेकिन उसके लंग्स खराब होने हैं बिकॉज ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, वो पेशेंट्स को निमोनिया नहीं चाहिए, मुझे इन्फ्लुएंजा नहीं चाहिए, वो पेशेंट्स को हम वैक्सीन जो कि जो किल्ड पैथोजन से हम तैयार, लाइव वैक्सीन हम नहीं देते हैं। लाइव मतलब अगर मैंने वो पेशेंट को कुछ लाइव वैक्सीन जैसा हर्पिस जैसा दिया तो वैक्सीन के कारण वो पेशेंट को हर्पिस हो जाएगा, समझ गए, तो उसका लाइव वैक्सीन बोलते हैं। लेकिन हम निमोकोकल वैक्सीन देते हैं, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन देते हैं जो कि पेशेंट को लंग प्रॉब्लम नहीं करेगी। ये जो कोविड का जो वैक्सीन है वो आरएनए वैक्सीन है, आरएनए वैक्सीन तैयार करना बहुत डिफिकल्ट जॉब है, राइट। क्लिनिकल ट्रायल्स जो किए गए हैं वो अभी तक तो आज अभी तक जो दिए गए हैं वो सब वॉलंटियर्स में, हेल्दी पेशेंट्स में दिए हैं। अपनी गवर्नमेंट एक पॉलिसी तैयार करेगी और कौन किसको देना है, जो भी पॉलिसीज मैंने सुने हैं यूट्यूब पे, ऑल एल्डरली पीपल अबाउ 60 विद मॉर्बिडिटी, दोज हु अंडरगॉन क्या बोलते हैं किडनी ट्रांसप्लांट हो गया है, किसी का लिवर ट्रांसप्लांट हो गया है, तो ऐसे पेशेंट्स को कोविड का वैक्सीन दिया जाएगा। लेकिन वैक्सीन देते टाइम हम किल वैक्सीन देंगे, लाइव वैक्सीन नहीं देंगे। थैंक यू डॉक्टर्स। Before we wrap up this session, any general advice or you would like to give the patient during these pandemic times, especially to take care of themselves or at work? I think हम लोग एक बहुत unique situation से गुजर रहे हैं। I think we have to make sure कि जो अभी established practices है of washing your hands, watching your distance and wearing a mask, I think that is very very crucial। वो तो precautions follow करने ही हैं। उसके साथ साथ आपको जो दूसरी बीमारियां है जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बीमारी है, तो आप अगर आपके रूमेटोलॉजिस्ट तक नहीं पहुंच सके, आप एक रेगुलर फॉलोअप पेशेंट है, आपको न्यू तकलीफ भी शुरू हो गई है, और बहुत सारे मेरे पेशेंट्स हैं जो आउट ऑफ मुंबई से, यानी कि यू नो ट्रैवल करते थे एवरी 3-4 मंथ्स मुझे देखने के लिए और नहीं आ पा रहे हैं, तो अभी आई थिंक विद चेंजिंग टाइम्स हमने भी हमारी प्रैक्टिस चेंज की है टू अडैप्ट। तो मोस्ट ऑफ द रूमेटोलॉजिस्ट एंड मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स विल ऑफर टेली कंसल्टेशन, आई थिंक उसका हमको फायदा उठाना चाहिए। और आई थिंक कि उससे क्या है कि एटलीस्ट आप राइट डायरेक्शन में खुद ट्रीटमेंट ले, खुद कोई पेन किलर्स ले, या फिर खुद अपनी दवाइयां ऐसे ही चालू रखे, ये सब जो या बंद कर दे, ये सब जो डिसीजंस है वो आप अपने डॉक्टर से टेली कंसल्टेशन पे डेफिनेटली एडवाइस ले सकते हैं। एंड अभी क्या है कि हम एडवाइस कर रहे हैं स्टे एट होम, एक तरफ हम बोल रहे हैं कीप मूविंग, अभी सिचुएशन हैज बिकम डिफरेंट, मैं भी घर पे स्क्रीन टाइम बहुत यूज कर रही हूँ, so basically on the laptop all the time, on the mobiles all the time, and unfortunately we can't escape it, ye humko karna hi pad raha hai, but with due precautions abhi mere paas bahut sare patient aa rahe hai jo back pain se, musculoskeletal pain, apni routine ek disturb ho gayi hai, isliye der tak neend nahi aana, subah uthke bahut hi tired and fatigued feel karna, puri body mein pain hona, yahan jahan jahan dabaya wahan pain hona, irritable feel hona, concentration nahi lagna, तो ये सब भी जैसे हम सॉफ्ट टिश्यू पेन बोलते हैं, सॉफ्ट टिश्यू रूमेटिज्म, उसकी भी बहुत सारी कंडीशंस जो है वो अभी उभर के आ रही है, एंड पीपल आर कंसल्टिंग मी कि अभी मुझे फ्रेश ही नहीं लगता है, तो दीज आर ऑल सॉफ्ट टिश्यू एंड मसल पेन, जिसके लिए बहुत ही जरूरी है कि आप पहले तो अपना जो आप अवॉइड नहीं कर सकते, बट मेक श्योर दैट यू सिट इन अ परफेक्ट पोजिशन व्हेन यूजिंग द स्क्रीन्स, आपके नेक एंड आपके बैक की जो है वो आपको केयर लेनी है,
few positions are there on the screen right now and you can get easily the information. Joints को moving रखना है. Every 45 minutes or 1 hour, keep an alarm or keep something like a bottle of water away from you so that you have to compulsory get up from your place and go to that place to reach out and drink water. So you're kind of moving your joints. And I think time pe sona and a good healthy diet and taking out at least half an hour for exercise will still remain very, very important. And you aap ghar pe kar sakte hain. So basically, you know, बैठे रहना फॉर मोर देन 8 hours इज नाउ सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग. सो आप स्मोकिंग नहीं करते हैं, आप बोलते हैं आप बहुत हेल्दी है, बट 8 घंटे आप कहीं पे एक जगह पे बैठे रहे तो उसका रिस्क इज इक्विवेलेंट टू यू स्मोकिंग. सो बेसिकली आपको उठना है, जॉइंट्स की मूवमेंट रखनी है. एंड जैसे अभी तो बहुत ही वेरिएशन है, जैसे योगा में भी पिलाटेस है, होम योगा, ऑल यू नीड इज अ मैट, मे बी इफ यू कांट सिट डाउन ऑन द फ्लोर, चेयर पे ही योगा के बहुत पोजेस है. एक आप जो है मैंने भी अभी स्क्रीन पे लगाया है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी जॉइंट्स मूव करते रहे एंड ट्राई टू स्टिक टू अ हेल्दी पैटर्न. एंड लो मूड तो अपने आप को जो है ना, ये मूड के वजह से भी लोगों का बहुत डिप्रेशन, उसके वजह से भी मस्कुलर पेन बढ़ना इज अ वेरी वेरी कॉमन थिंग. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने साथ, अपने आजू बाजू, स्पेशली जो एल्डरली है, जो वल्नरेबल है, उनका भी मेंटल हेल्थ का बहुत खास ध्यान रखें. So yes, हमने बहुत बातचीत की है. आई ऑलवेज लाइक टू प्रोजेक्ट दिस स्लाइड टू से दैट नॉट ऑल इज डार्क एंड ग्लूमी, देयर इज अ लॉट ऑफ होप, वी हैव टू बी पॉजिटिव. हम फॉर्चुनेट है कि हम इस इरा में प्रैक्टिस कर रहे हैं जब हमारे पास बहुत ही मॉडर्न ट्रीटमेंट है, वेयर आई कैन रियली रियली टेल माई पेशेंट्स दैट वी नीड टू गेट ऑन विथ लाइफ एंड यू नो नॉट गेट डिप्रेस्ड अबाउट इट. बट इमेजिन, आई थिंक गोइंग बैक, हैट्स ऑफ टू पीपल, जो हमने फर्स्ट मैंने लगाया है वो एक बहुत ही पिक्चर ऑफ अ वेरी फेमस पेंटर, अ फ्रेंच पेंटर रेनुआर, जिनको आर्थराइटिस शुरू हो गई थी अर्ली एज में एंड देन टुवर्ड्स द एंड जब वो ओल्ड एज में आ गए तब तक उनके जॉइंट्स एकदम ही क्रिपल्ड हो गए थे और वो उठ भी नहीं पा रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना जो पैशन था पेंटिंग के लिए वो नहीं छोड़ा. एंड एज यू कैन सी इन द पेंटिंग, क्योंकि हाथ एकदम ही डैमेज हो गए थे तो वो अपने माउथ से पेंटिंग करके उन्होंने सबसे, उनकी एक फेमस पेंटिंग जो है, जो आप ये टू गर्ल्स देख रहे हैं, टू सिस्टर्स, दिस इज अ वेरी वर्ल्ड फेमस पेंटिंग दैट ही क्रिएटेड इन स्पाइट ऑफ हैविंग वेरी डैमेजिंग डिस्ट्रॉयिंग रूमेटॉइड आर्थराइटिस. द फेमस स्कल्पचर इन फ्लोरेंस इटली में, जैसे डेविड है, माइकल एंजेलो द स्कल्पटर, उनका भी हम देखें तो ही हैड ऑस्टियोआर्थराइटिस, उनके जॉइंट्स घिस गए थे, बट ड्यूरिंग दैट स्टेज ऑल्सो ही क्रिएटेड समथिंग सो वंडरफुल, जो आज तक हम इटली फ्लाइट पकड़ के देखने जाते हैं. एंड अगेन मॉडर्न में तो लॉट्स ऑफ हॉलीवुड स्टार्स एंड these are having conditions which affect multiple organs, but they are very successful and unko dekh ke hum screen pe idolize karte hain ki unke jaise dikhna chahiye. So you know, everybody is having their own battles, but the idea is to be positive and really take the not get depressed or worried about joint pains. We have to not ignore them, we need to face them and we do it together. Thank you both the doctors. It was a very very insightful session and हमें काफी सारी जानकारी मिली है इस बारे में कि हमें किस तरीके से arthritis को ignore नहीं करना है, उसके लिए क्या क्या precautions लेने हैं, diet क्या लेना है, exercises कैसे करनी है और अपनी जिंदगी को एक positive तरीके से मिलजुल के आगे बढ़ाना है. So thank you Dr. लता बिछले, thank you Dr. दीप्ति, and I would also like to finally, if you have to say on behalf of Mission Arthritis India Mumbai chapter, was inaugurated somewhere in 2018. We like-minded doctors came together and I remain as a founder member of MAI. There is Dr. Shashank Akhetkar, who is the secretary, and you must have seen his videos on YouTube, on Facebook. He's a very active person. Dr. Dipti Patel is with me. She's a joint secretary and she's very much active on patient education program. We have Dr. Niharika Gill. We both work together for nearly 5 to 6 years and she's very much interested in arthritis care patients. We have a scientific committee with Rahish Ravindran, who is DM and is practicing in Thane. We have Shailaja Sabnis, who works in Andheri. She was my student, and we have got Mamta Venkatesan. She is also excellent in patient care.
me and Ditya have totally enjoyed this session yes, today. I hope you all have. It is our first beginning and we have lots of tips and bits whether we'll be able to speak in English or Hindi or whether we have some phobias. But I think it went on very well. Thanks for your we support. We hope to listen from you more. Yeah. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Namaste.